आप अपने यूट्यूब चैनल दरी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करणी के विषय में। घातांक और करणी में हमने घातांक पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। जब पूरी राशि करणीगत हो इसका भी अध्ययन कर लिया है। करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न या करणीगत राशि का वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज हम करेंगे करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हम आज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। करणियों की तुलना की बात की जाए अगर करणियों की तुलना पर आधारित अगर प्रश्नों की बात किया जाए तो इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक जो दिया होता है हाथ के रूप में, एक क्या दिया रहता है हाथ के रूप में दिया रहता है, हाथ के रूप में। दूसरा जो रहता है आपको करणी के रूप में दिया रहता है, करणी के रूप में दिया रहता है। और तीसरा जो होता है, जो तीसरा टाइप होता है वह करणी के योग या अंतर के रूप में दिया रहता है, के रूप में दिया रहता है, के रूप में। ये क्या किया रहता है, ये हमें दिया रहता है और हमें इसमें बताना होता है कि कौन राशि छोटी है कौन राशि बड़ी है। और तुलना का मतलब क्या, तुलना के बारे में आपको बताया गया था पहले ही, तुलना के बारे में बता दिया गया। तुलना का मतलब कि बड़ी छोटी आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये तो छाटना होता है क्या। करणियों की तुलना का मतलब बड़ी बड़ी छोटी आरोही क्रम अवरोही क्रम में ना होता है, ठीक है। तुलना का मतलब क्या है, कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यही आता है। तो हम पहले पढ़ेंगे खाद के रूप में दिया रहेगा, तब क्या दिया रहेगा, पहला हम पढ़ेंगे खाद के रूप में दिया रहेगा, तब खाद के रूप कैसे दिया रहता है क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2 पर 60 का, 3 पर 48 घात, 4 पर 36 घात और 5 पर 24 घात। अब हमें इसमें छांटना है, क्या छांटना है, हमें छांटना है छोटी बड़ी, इसमें क्या छांटना है, इसमें छांटना है हमें कौन छोटी है कौन बड़ी, ठीक है। जब इसमें छोटी और बड़ी छाटनी है तो अगर 2 पर हम 60 घात किए हैं तो 2 का गुणा अगर 60 बार करें, 3 का गुणा 48 बार करें, 4 का गुणा 36 बार करें और 5 का गुणा 24 बार करें तो क्या हुआ, गुणा तो हम कर ही लेंगे लेकिन ये क्या होगा, बहुत लंबा प्रोसेस। हमें मिलता कितना टाइम है, हमें बस 1 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें दो चीजें आप याद रखेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर। पहला क्या है कि यदि किसी 2 राशि है, जैसे 2 है और 3 है, इसमें जानते हैं क्या कि 2 छोटा होगा 3 बड़ा होगा। अगर इस पर अगर 10 घात है, अगर इस पर भी 10 घात है तो भी 2 राशि बड़ी होगी जिसका आधार बड़ा होगा, वह राशि बड़ी होगी जिसका आधार छोटा होगा वह राशि छोटी होगी। कब, जब घात बराबर होगा तब। जब घात में किसी निश्चित संख्या एक ही संख्या से भाग दिया जाए, एक ही संख्या का मतलब इसमें अगर 5 से भाग दिया जा रहा है तो इसमें भी अगर 5 से भाग दिया जाए तो भी उनके तुलना पर कोई असर नहीं आता। तुलना का मतलब कि जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी रहेगी वो छोटी रहेगी। जैसे
अगर हम घात में 5 का भाग कर देते हैं तो 2 पर कितना हो जाएगा, भाग करेंगे 5 का, तो 5 का हम भाग करेंगे कितना होगा, 2 होगा, ये क्या होगा 3 पर। देखिए हम समान संख्या से भाग दिए, इसमें भी 5 से भाग दिए हैं, इसमें भी 5, और किसमें भाग दिए, उसके घात में, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं। मान में परिवर्तन का मतलब कि जो राशि बड़ी है वह राशि बड़ी है, जो राशि छोटी है वह राशि छोटी ही, ऐसा समझे, बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है। आइए अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो आप लगा लेंगे। अब बताइए आप कि यदि यह 60 घात है, अगर इसको हम छोटा कर देंगे, अगर घात को अगर हम छोटा कर देंगे, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो ये क्या घात और बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर किसी निश्चित संख्या में सब में भाग कर दिया जाए, सब में भाग दिया जाए, तो जो राशि बड़ी रहेगी वो तो बड़ी ही रहेगी, जो छोटी है वो छोटी ही रहेगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो हम घात छोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटा रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 पर 10 घात निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन 2 पर 2 घात और 3 पर 2 घात निकालना हमें क्या है, बहुत आसान है। इसका निकाल लेंगे 2 दुना के 4, और इसका निकाल लेंगे 9। क्या करेंगे, हमारा जब भी अगर घात के रूप में दिया रहे, घात के रूप में दिया रहे, तो घात को हमें क्या करना है, हमें छोटा करना है। छोटा करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों में समान राशि से ही भाग करेंगे, दोनों राशि जो घात है उसमें समान राशि से भाग करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है इसका हम मसर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं मसर। मसर वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सबको विभाजित करेगी। मसर क्या होती है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो 60 को भी विभाजित करेगी, 48 को भी विभाजित करेगी, 36 को भी विभाजित करेगी और 24 को भी विभाजित करेगी। तो इनका हम क्या करेंगे, जो घात है, घात कितना है, घात है आपका 60, 48, 36 और 24, यही तो है। तो अब हम इसमें से इनका क्या निकालेंगे, इनका हम निकाल लेंगे मौसम। तो हम देख रहे हैं यही कि 12 गुना की 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, इसका मतलब कि इसका मौसम भी निकालेंगे तो हमारा मौसम कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि ये 12 ही सबसे छोटी से छोटी राशि है जो इन सबको विभाजित कर रही है। ठीक है, अब इसकी इसका मतलब क्या हो गया, मौसम 12 हो गया। तो अब ये जो संख्या दिख रही है, इस संख्या का जो घात दिख रहा है, इस घात में क्या करिए आप 12 से भाग कर दीजिए। घात दिख रही है इसी में उसके मौसम से भाग कर दीजिए, ये क्या होगा 2 पर 60 बटा में 12, 3 पर 48 बटा में 12, 4 पर 36 बटा में 12 और ये हो जाएगा 5 पर 24 बटा में 12। अब ये कट जाएगा, 12 5 60, 2 पर 5 घात, ये क्या होगा 12 4 48, आते 36 और ये क्या हो जाएगा 12 गुना के 24, 5 पर ये हो जाएगा 2 घात। अब देखिए अब ये क्या राशि हो गया, अब ये राशि हो गया बहुत छोटा राशि हो गया। अब देखिए हमने भाग कर दिया है, अभी हमने बताया था कि अगर हम घात में अगर समान राशि से भाग भी करेंगे तो तुलना करने पर जो राशि बड़ी होगी वही बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमने देख भी लिया, एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या किया है, यहाँ देख भी लिया है। अब ये 2 पर 5 का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 32। गुणा कर लेंगे 2 दुना की 4 दुना की 8 दुना की 16 दुना के 32, ये क्या हो जाएगा 3 पर 4 का मतलब क्या होगा 81, ये कितना होगा हो जाएगा हमारा 64, ये क्या हो जाएगा हमारा 20। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है हाँ, तो इसका मतलब कि ये हो गया सबसे छोटा, ये क्या हो गई, ये हो गया हमारा सबसे छोटा।
और सबसे बड़ा क्या देख रहा है, हाथी दिख रहा है, ये क्या है, यही 348 घात, इसका मतलब ये हमारी हो गई सबसे बड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। तो कभी भी अगर घात के रूप में दिया रहे, अगर हमसे पूछे कि कौन इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें घात में घात का जो होता है हम मसा निकाल लेते हैं। मसा क्यों निकालते हैं, क्योंकि मसा ऐसी संख्या होती है जो इन सबको विभाजित करेगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ देख रहे थे कि 12 दुना 24 बार 23 36 48 52 60, अगर इसमें किससे कट रहा था, ये सभी 12 से कट रहा था, तो हमने 12 से ही काट लिए होते। या अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये संख्या ये सभी किससे कट रही है, तो इनका क्या हम निकाल दें, इनका हम निकाल दें मस। हाथों का क्या निकाल दीजिए, मसा निकाल दीजिए। जो मसा आता है उनके हाथों में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। हम भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये राशि बहुत बड़ी है, अगर भाग कर देंगे तो वो राशि छोटी आ जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, तो हमें तुलना करने में क्या होगा, आसानी। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए ₹250 3 पर है आपका, तो 50 और 5 पर है 100 घात, और है 4 पर है हमारा 200 घात। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी वह छोटी, सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो पहले अगर 0 दिखे तो सब में अगर 0 दिख रहा है, तो 0 को ही क्या करें, पहले हटा दीजिए। हमें बताए हैं कि एक समान संख्या से भाग करना है, तो इसमें भी 10, इसमें से भी 10, इसमें भी 10 भाग करेंगे, तो इससे अच्छा है कि देख रहे हैं कि 0 0 है, तो सब में 0 को हटा दिए। क्या बचा, 2 पर 25 बचा, ये क्या बचा, 3 पर 15, ये 5 पर 10 घात, और ये 4 पर कितना बचा, ये हमारा 20 घात। अब हमने बताया कि एक समान संख्या से भाग करेंगे, तो यह समान संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम जो घात है, घात कितना है, तो घात हमारा है 25, 15, 10 और 20। इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे हम मसा। ये बहुत छोटी राशि है, हम मसा जानते हैं कि ये सब संख्या किससे कटेगा, ये सभी संख्या कटेगा हमारा 5 से, तो इसका मसा आएगा हमारा 5, ठीक। ये छोटी राशि है, तो हमने अगर बड़ी राशि होती तो मसा हमें क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता, ठीक है। अब ये 5 का इनके घात में हम भाग कर देंगे, भाग करेंगे 25 बटा में 5, 3 बटा में 15 बटा में क्या हो जाएगा, 5, ये क्या है, 5 है, 10 बटा में 5, और ये 4 है, तो 20 बटा में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 5। भाग करिए, 5 5 25, 2 पर कितना हो गया, 2 पर 5 हो गया, ये 5 3 15, 3 पर 3 हो गया, 5 गुना के 10, ये हो गया 5 पर 2 घात, ये 5 के 20, ये हो गया हमारा 4 पे 4 घात। समझ में आ गई, इसका मान जानते हैं, 2 पर हिस्सा हो जाएगा 32, ये हो जाएगा हमारा 27, ये क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारा 16, 4 16, 16 64, 64 64, ठीक है, क्या होगा, 256 आएगा। तो जब 256 आएगा, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा राशि क्या दिख रही है, ये 4 पर 4, 4 पर 4, ये क्या है, ये है हमारा 4 पर 20 घात, ये हो गया हमारा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, हमें 25 दिख रहा है, अर्थात 5 पर 10 घात, अर्थात ये 5 पर 10 घात का मान क्या है, 5 पर 100 घात पहले था,
ये होगा हमारा सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब निकालने का तरीका जान गए, अब कोई भी राशि आएगा तो आप निकाल लेंगे। अब आइए टाइप दूसरा को चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है, करनी के रूप में दिया है। क्या दिया है? करनी के रूप में, ये दूसरा है, करनी के रूप में दिया। करनी के रूप में कैसे दिया रहेगा, जैसे तीन करनी में चार, चार करनी में पांच, करनी में दो, छह करनी में तीन। ये मान लीजिए क्या है, इसमें करनी के रूप में दिया है। अब इसमें अगर छोटा अगर बड़ा हमें छांटना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, देखिए ये करनी का मतलब क्या है, तीन करनी में का मतलब क्या होता है, चार पर एक बटा तीन घात ही होता है। ये क्या होता है, पांच पर एक बटा चार घात होता है, चार करनी में है तो। यहाँ करनी है बस, इसका मतलब दो पर एक बटा दो घात होता है। ये तीन है, तीन पर एक बटा ये छह घात हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ चार का घनमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कोई भी रूल अभी नहीं जानते हैं जिसे तुरंत हम निकाल लें। इसके लिए क्या, चार का घनमूल निकाल सकते हैं लेकिन किसके द्वारा, तो ये लॉगरिथम के द्वारा ही निकाल पाएंगे, अन्यथा हम कोई साधारण विधि नहीं है, जैसे कि वर्गमूल निकालने का कोई साधारण विधि है, उसी प्रकार हम घनमूल का कोई साधारण विधि नहीं है जिसके द्वारा हम निकाल सके, दशमलव में हम घनमूल निकाल सके, चतुर्थ मूल भी नहीं निकाल सकते, षष्ठ मूल भी नहीं निकाल सकते। तो अब क्या है, हम बताए हैं कि किसी भी राशि में एक समान संख्या से गुणा करने पर या तो भाग करने पर ही कोई मान में परिवर्तन, जैसे कि वहां तो हमने भाग में पढ़ लिया। अब देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, जैसे तीन है, अगर तीन पर दो घात है और यहाँ दो पर दो घात है, इसका मतलब कि तीन पर दो घात बड़ा होगा क्योंकि आधार बड़ा है, घात अगर बराबर है। अगर इसमें हम अगर पाँच से गुणा करें, अगर इसमें भी पाँच से गुणा करें तो ये क्या होगा, तीन पर पाँच गुना के दस और दो पर दस हो जाएगा। अब देखिए अब भी आधार क्या है, अगर किसी समान संख्या से अगर गुणा करते हैं दोनों में तो जो राशि बड़ी होगी वो राशि बड़ी रहेगी, जो राशि छोटी है वो छोटी ही रहेगी। इसलिए इसके तुलना में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, जो राशि बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जो राशि छोटी रहेगी वो छोटी रहेगी। क्या आधार, जो आधार बड़ा रहेगा तो वो राशि बड़ी रहेगी, आधार छोटा रहेगा तो वो राशि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तब जब उसके घात में एक समान संख्या से गुणा किया जाए या एक समान संख्या से भाग किया जाए तो जो राशि बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जो राशि छोटी रहेगी वो छोटी हो जाएगी, जैसे यहाँ हमने देख लिया। अब देखिए हमें यहाँ इसमें क्या करना है, एक समान संख्या से गुणा करना है, वो संख्या कैसा होगा, उस संख्या से गुणा करें कि ये पूरा का पूरा हमें बटे के रूप में नहीं, हमें पूर्णांक के रूप में मिल जाए, जैसे एक बटा तीन है, एक बटा चार है, एक बटा दो है, एक बटा छह, ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्णांक के रूप में हो जाए, क्योंकि एक बटा तीन निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर यही चार पर अगर चार घात भी रहता है तो हम आसानी से निकाल लेते, ये 256 होता। अगर पांच पर अगर तीन घात है तो हम जान जाते यह 125 होगा, अगर दो पर छह घात भी होता तो हम जान जाते कि ये कितना होगा, हो जाता हमारा 64। अगर तीन पर ये अगर चार घात रहता तो हम निकाल लेते आराम से क्या होता है, 81। लेकिन ये क्या है, एक बटा चार है, एक बटा तीन है, एक बटा दो है, एक बटा छह है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम चार का घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, पांच का चतुर्थ मूल नहीं निकाल पाएंगे, दो का वर्गमूल तो हम निकाल लेंगे लेकिन तीन का षष्ठ मूल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब हमें तुलना करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। दिक्कत होगी तो हम क्या करते हैं कि इसको घात के रूप में बना लेते हैं, घात के रूप में। तो इसके लिए क्या करते हैं,
जो हमारा करने के अंदर जो ये राशि दी रहती है, 3, 4, 2 और ये है 6, तो इनका हम क्या कर लेते हैं, इनका हम निकाल लेते हैं लसन। क्या करते हैं, जो करने के अंदर दिया रहता है 3, ये 4, ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो माना जाता है 2, ये क्या है 6, हम इनका क्या निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं लसन। लसो क्यों निकालते हैं, क्योंकि वह समान संख्या रहेगी और 3 से ये क्या होगा, वो 3 से विभाजित होगा तो हमारा जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, हमारा पूर्णांक आएगा। यहाँ क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अगर हम किसी भी कोई भी राशि से, अगर मान लीजिए कि यहाँ 6 से करेंगे, अगर 6 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ तो मान लीजिए 3 गुना के 6 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 6 कर रहे हैं तो 4 से कटाएंगे तो ये क्या होगा, ये 3/2 आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा। हमें किस में लाना है, हमें भिन्न के रूप में नहीं लाना है, हमें लाना है पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक के रूप में रहेगा तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पूर्णांक में निकालें। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी ये करने के अंदर राशि दी है इसका हम लसा निकालेंगे, तो लसा कितना हो जाएगा, तो 4, 4 तिहाई 12, इसका लसा आ गया आपका 12। अब इसी 12 का इन सब में क्या करेंगे, हम इन सब में हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करते हैं, 4 पर 12/3, क्योंकि अगर एक ही समान राशि से अगर गुणा करेंगे तो जो राशि बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी ही रहेगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख भी लिया है। ठीक है, अब देखें ये है 5 पर 12/4 और ये है 2 पर 12/2 और यहाँ क्या है, यहाँ है 3 पर 12/2 क्या हो जाएगा, 12/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, 4 पर 3 के 12, ये 4 बच्चन आ गया, ये क्या आ गया, 5 पर 4 10 12, ये आ गया। अब यहाँ 2 6 12, 2 पर कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 2 12, 3 पर 3 आ गया, ये हमारा आ गया 3 पर। अब देखिए, अब 4 पर 4 का मान निकालना हमें आसानी है, तो निकाल सकते हैं 4 पर 4 का मान कितना होता है, तो ये होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके होता है 256। ये 5 पर 3 पर ये होता है 125। ये 2 पर 6 का मतलब ये होता है हमारा 64 और ये होता है हमारा 9। अब आगे ये अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, कि ये 256 वाला 12 है अर्थात 4, जिसका आधार 4 है, ये आधार क्या है, किसी का तो 4 है, 4 है अर्थात कि ये राशि क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी होगी, क्या होगी, ये राशि हमारी सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा पूछेगा तो ये क्या है, 3 वाला है, ये 3 पर 6 है, ये है करने में 3, ये होगा हमारा सबसे, ये क्या होगा, हमारा सबसे क्या होगा, समझ में इतनी बात। अब आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना रहता हम आसानी से कर लेते हैं। अब यहां देख लेते हैं, जब करने के रूप में दिया रहेगा तो हम लसा इसलिए निकालते हैं कि क्योंकि इसमें हमें एक समान संख्या से गुणा करना होता है और ऐसी संख्या से गुणा करना होता है कि जो ये पूरा पूरा कटा दे, जैसे कि यहाँ यहाँ शेष नहीं, यहाँ कुछ कुछ बटे में नहीं बचा, यहाँ भी कुछ बटे में नहीं, यहाँ बटे में नहीं बचा, इसके लिए वह कौन सी राशि होती है जिससे भाग करने पर, वह हमारा लसा ही होता है जिसमें 3 का 4 का 2 का और 6 का भाग करेंगे तो हमारा जो संख्या होगा वो पूर्णांक में ही आएगा, 4, 3, 6 और 2 आया ना, उसी प्रकार आएगा, ऐसे समझिए ये बात। और ये बात आपको समझ में आ गई है, जब भी करने के रूप में रहेगा तो हम लस ये हम डायरेक्ट ये इतना नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यही करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए, कर दिया है करनी में चार, तीन करनी में चार, फिर चार करनी में छह, फिर दिया है छह करनी में आठ अगर दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, तो हम कहें जो ये करनी में दिख रहा है इसी का हम डायरेक्ट लसा निकाल दें। तो लसा निकालेंगे, यहाँ क्या है दो, यहाँ क्या है तीन, यहाँ क्या है चार, और यहाँ क्या है छह। हम क्या करें, लसा निकाल दें। इसका लसा कितना होगा, चार थी बारह, एलसीएम कितना हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा, लसा हो जाएगा हमारा बारह। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग करते हैं और इस पर घात लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनका इसमें भाग, लसा में भाग करते हैं और घात लगा देते हैं। ये दो छके बारह, तो ये चार पर क्या होगा, ये दो है इसमें भाग करते हैं, तो बारह बारह का बारह में भाग करते हैं, दो छके बारह, तो चार पर छह लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा तीन, तीन तो तीन चौके बारह, चार आया तो चार पर आप क्या लगा दीजिए, चार लगा दीजिए। ये कितना है, चार है, तो चार का भाग करेंगे तो चार तिहाई बारह, तीन आ रहा है तो छह पर क्या लगा दीजिए, छह पर तीन लगा दीजिए। ये क्या है, छह है, बारह में भाग करेंगे तो छह दुना के बारह, तो आठ पर लगा दीजिए आप। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा चौसठ, ये क्या होगा, पर तीन का मान कितना हो जाएगा, तो छह पर तीन का मान 216, चार पर चार का मान हमने निकाला है कितना है 256, और चार पर अगर छह का मान निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 40 96, ये क्या आएगा 40 96 आएगा। लेकिन अब हम यहाँ मान नहीं निकालेंगे कि चार पर छह, अब देखिए चार पर छह का मतलब कि ये चार पर इस इनमें तुलना कर लेते हैं, इन तीनों में तुलना कर लेते हैं क्योंकि इनका मान निकालना आसान है, तो ये तीन पर चार का मान ही सबसे अधिक है, इनमें इन दोनों से अधिक है, तो इसका मतलब अगर छह घात रहेगा तो ये और भी बड़ा होगा, इसका मतलब कि सबसे बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा, चार पर छह वाला हमारा सबसे मान बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा हमें ये 64 वाला मान क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो आधार आठ है, ये आठ है, ये वाला क्या होगा, ये होगा हमारा सबसे छोटा, सबसे छोटा, और जो हमारा दो कर्णिम चार है ये क्या होगा, ये होगा हमारा सबसे बड़ा, ये क्या होगा हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई, एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण और लेकर समझ लेते हैं, अगर है यदि धारण है हमारा छह करनी में बारह, तीन करनी में तीन, और चार करनी में चार है, अगर इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है, तो इसके लिए क्या, ये जो दिख रहा है यहाँ छह दिख रहा है, यहाँ तीन दिख रहा है, इसका चार दिख रहा है, इसका हम तुरंत क्या निकाल देंगे, हम तुरंत निकाल देंगे लसा। लसा क्यों निकालना है, तो लसा निकालने का कारण आपको यहाँ बताया गया है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक समान संख्या से गुणा करना होगा और ऐसी संख्या से गुणा करना होगा कि जो यह पूरा पूरा पूर्णांक हमारा बना दे, जैसे कि यहाँ चार, यहाँ तीन और यहाँ छह और यहाँ दो। अगर मान लीजिए कि अगर हम बताए थे उदाहरण में, अगर हम छह से गुणा करते तो अगर यहाँ छह से गुणा करते तो क्या होगा, दो तीन छह दो, ये बटे के रूप में आ जाती, और बटे के रूप में आ जाती तो हमारा क्या होता, फिर दिक्कत होती, क्योंकि पांच पर तीन बटा दो निकालना हमें क्या होता, कठिनाई होती। ठीक है, इसके लिए क्या है,
लसा ही ऐसी संख्या है जिसे भाग मतलब कि गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, हमारा पूर्णांक बन के आएगा। जब भी आएगा हमारा क्या आएगा, ये हमारा पूर्णांक बन के आएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस जो करने के रूप में है इसमें हम लसा निकालकर पर हम गुणा कर, समझ में बात। अब हम लसा निकाल लें इसका, 6 3 4 का लसा निकालेंगे, 6 3 और 4 लसा क्या हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा, इसका लसा कितना हो जाएगा, तो इसका लसा हो जाएगा 6 गुना के 4 4 12, लसा कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब इसका 6 का इसमें भाग करेंगे तो 6 गुना के 12 2 आ रहा है, तो हम 12 पर क्या लगा देंगे, 12 पर 2 लगा देंगे। 3 से अगर ये कटाएंगे तो 3 2 के 12 4 आ रहा है, 3 पर हम क्या लगा देंगे, 4 घात लगा देंगे। फिर 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 3 आ रहा है, या 4 तिहाई 12 3 आ रहा है, तो 4 पर हम क्या लगा देंगे, 4 पर हम लगा देंगे 3। 12 पर का स्क्वायर कितना होता है, 144। 3 पर 4 का मान 81, 4 पर 3 का मान ये हो गया हमारा 64। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी हो गया हमारा 6 करने में 12, पूछ रहा है सबसे छोटा ये हो गया 4 करने में 4, ठीक, मध्य वाला ये 3 करने में। ऐसा है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। यही एक और उदाहरण ले लेते हैं, इतना उदाहरण ये लिया जा रहा है, ये सभी कभी ना कभी ये परीक्षा में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चन क्या किए हैं, ये पुट किए गए, यही क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे लिया गया है, ठीक है, 6 करने में 6। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है 4 है 6, तो इसका मतलब 2 3 4 6 का ये क्या हम लेंगे, लसा लेंगे। लसा क्यों लेंगे, ये आपको बता दिया गया है, लसा ही क्यों लेंगे, मसा क्यों नहीं लेंगे, ये लसा कितना होगा, इसका होगा 4 तिहाई 12। अब ये 12 में ये 2 का भाग करेंगे, 2 6 के 12, तो इसका मतलब कि 2 पर ये हो गया हमारा 6 का। फिर ये 3 का 3 6 के 12, 3 पर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4। फिर इसका 4 से 4 तिहाई 12 3 आ रहा है, तो 5 हम लगा देंगे 3 घात, और यहाँ 6 6 गुना के 12 हम लगा देंगे, 6 पर कितना, ये क्यों इसका भाग कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको लिखेंगे 2 पर 1/2, इस पर लिखेंगे 1/3, और इस पर लिखेंगे 1/4, और इस पर लिखेंगे 6 पर 1/6, और एक समान संख्या से गुणा करेंगे तो जो संख्या बड़ी रहेगी वो संख्या बड़ी रहेगी, उसके तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम 12 से गुणा करेंगे, तो 12 से जब गुणा करेंगे तो ये कटेगा 12 2 6 12, ये बटे में 3 है तो 3 6 12, इसीलिए ये 3 है, तो हम यही भाग करके ही घात तुरंत हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन के हमें क्या है, एक लाइन का हमें बचत हो रहा है, ठीक है। 2 पर 6 का मान कितना होता है, 2 पर 6 का मान होता है हमारे 74। 3 पर 4 का ये होता है हमारा 81। 5 पर 3 का 125, और 6 पर 2 घात ये हो गया हमारा। इसलिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देख रहे हैं 6 करने में 6, यही हमारा क्या है, सबसे छोटा है, क्या है, छोटा है। अगर पूछ देगा हम कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये देख रहे हैं 4 करने में 5, ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़ा है, समझ में। अब आते हैं लास्ट वाला टाइप, जो करने के योग और अंतर के रूप में दिया, क्या दिया हो, तीसरा है हमारा करने के योग या अंतर के रूप में, अंतर के रूप में जब करने की योग या अंतर के रूप में दिया रहे, जैसे जैसे दिया है करने में 8 प्लस करने में 5,
फिर दिया है करनी में सात, बस करनी में छह। फिर दिया है करनी में दस प्लस करनी में तीन। फिर दिया है करनी में 11 प्लस करनी में दो। अब हमसे पूछ रहा है इन चारों में, इन चारों में कौन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है। इसके ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या है कि जब भी अगर दो राशि दिया है, जैसे तीन है और यह दो है, इसमें बड़ा क्या है, इसमें कहेंगे कि बड़ा तीन है। अब इनका वर्ग भी करेंगे, इनका वर्ग भी करेंगे तो जो राशि बड़ी है वही बड़ी रहेगी, देखिए नौ और ये दो है, ये आया चार, इसमें क्या है नौ क्या बड़ी है। तो किसी भी संख्या अगर दिया है उसका वर्ग भी करेंगे और उसमें तुलना करेंगे तो जो संख्या बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जो संख्या छोटी रहेगी वो संख्या छोटी रहेगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया, यहाँ देखते हैं हम क्या कर लेते हैं, इन सबका वर्ग कर ले रहे हैं। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। अब देखिए जब ये सभी होल स्क्वायर हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें होल स्क्वायर करने के बाद भी जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वो छोटी होगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तुलना के तौर पर, तुलना के तौर पर जो बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जो छोटी रहेगी वो छोटी रहेगी। इसका वर्ग करते हैं तो हम जानते हैं कि करने में ए प्लस करने में बी, अगर होल स्क्वायर करना है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस टू करने में ए बी, यही तो होता है। इसका मतलब हम इसको जोड़ देते हैं कि इसका मतलब आठ और पांच हुआ, आठ पांच कितना हो जाएगा, आठ पांच हो जाएगा हमारा तेरह, तेरह प्लस दो करने में आठ पांच, ये दो गुणा होगा आठ पांच चालीस, इसका मान आ गया। दूसरे वाले का क्या होगा, सात छह तेरह प्लस दो करने में ये चालीस नहीं होगा, ये क्या होगा सात गुणे छह होगा ना, ये भी साक्षक ये होगा हमारा बयालीस। अब देखिए ये दस तीन तेरह प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा दो करने में तीस। अब यहाँ ग्यारह दुना के क्या हो जाएगा, ग्यारह दो कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा तेरह, तेरह प्लस दो करने में ग्यारह दुना के बाईस, गुना के पास। अब इसमें हम तुलना करते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये तेरह आगे, यहाँ भी तेरह आगे, यहाँ भी तेरह आगे, यहाँ भी तेरह आगे, सब में ये क्या है तेरह तेरह है, ठीक है। अब इसका मतलब तेरह है तो यहाँ भी तेरह है, यहाँ भी तेरह है, यहाँ भी तेरह, अगर यहाँ भी कोई राशि अगर यहाँ मान लीजिए पंद्रह आ जाता है, यहाँ सोलह आ जाता है, यहाँ सत्रह हो जाता है, यहाँ तेरह हो जाता है, तो पूछा तो सबसे बड़ा, तो हम बता देते कि ये वाला ये राशि सबसे बड़ी है। अगर सबसे छोटी पूछती तो हम बता देते ये राशि, लेकिन ये तेरह प्लस तेरह प्लस तेरह प्लस तेरह प्लस सब में तेरह तेरह आगे तो है। अब हमें क्या देखना है, जो दूसरी राशि, ये राशि, ये राशि देखनी है हमें, दूसरी वाली राशि देखनी है, अर्थात इन राशि में जो भी बड़ा होगा, इन राशि में जो भी बड़ा होगा वह राशि हमारा क्या होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब हमें तुलना किस में करना है, दो करने में चालीस, दो करने में, तो आगे दो सबका गुणा किया गया है तो दो भी हटा देते हैं, इसका मतलब हमें तुलना करना है चालीस करने में बयालीस करने में तीस और करने में बाईस। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें तुलना करना है, जब इसमें तुलना करना है, अब देखिए जो राशि करने में अगर कोई राशि है, जैसे कि मान लीजिए करने में दो, करने में तीन, करने में, ठीक है, करने में पांच। अब देखिए जब इसका मान निकालते हैं करने में, करने में दो का मान कहा एक दशमलव एक चार, यही होता है। करने में तीन का मान होता है एक दशमलव सात तीन दो होता है। करने में दो का इसका मान होता है दो, इसका होगा दो दशमलव दो समथिंग होगा आ गया था। इसका मतलब क्या है कि करने में दो राशि, जो राशि करने में जो राशि बड़ी होती है
जो राशि बड़ी होती है उसका मान क्या होता है? बड़ा होता है। जो राशि करनी में छोटी होती है उसका मान छोटा होता है। यहाँ देख रहे हैं कि करनी में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो करनी में सबसे बड़ा दिख रहा है 42, तो इसका मतलब ये वाला राशि क्या होगी? बड़ी। ये वाली राशि क्या होगी? हमारी बड़ी होगी। ये 42 वाला क्या है? मतलब ये वाली राशि क्या होगी? 13 में बड़ी राशि जुड़ेंगे तो ये राशि क्या हो जाएगी हमारा? ये राशि हमारी हो जाएगी बड़ी। सबसे छोटी अगर पूछेगा, अगर सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? करनी में 22, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे बड़ी और ये हो जाएगा सबसे। ठीक है, हमने क्या किया? इसका पहले वर्ग किया और करने पर इनका योग देखिए, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। इसका मतलब क्या आ रहा है? इसमें सबसे पहले अगर इनका योग कर रहे हैं तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करके ही देख लेंगे। पहले ए प्लस बी करके देख लेंगे। जब ए प्लस बी अगर सब में बराबर आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, यहाँ देखिए 13 13 13 13 13 सब में अगर बराबर आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। 8 5 40, 6 42, 10 3 30, 11 2 के 22। अब इसमें जो गुणा करने के बाद इसमें जिसकी राशि, अगर ये राशि अगर बड़ी आ रही है, जो जो राशि बड़ी आ रही है गुणा करने पर, 8 5 40, 6 42, 10 3 30, 11 2 के 22, इसमें जो राशि बड़ी आएगी उस वह हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी। वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सबसे बड़ी। और छोटा मान आएगा तो वो राशि हो जाएगी क्या होगी? ये होगी हमारी सबसे। ये बात समझ में आ गई? इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक लगाना है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखकर ही आप लगा सकते हैं या देखकर ही बता सकते हैं कौन बड़ी है, क्योंकि 8 5 13, 7 6 13, 10 10 3 13, 11 2 13 13 13 सब में आ रहा है। अब गुणा करके देख लीजिए, जो जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा आएगा छोटा होगा। यहाँ देख रहे हैं तो 8 5 40 आ रहा है, ये 42 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, ये 22 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये 42 वाला बड़ा हो जाएगा, ये 22 आ रहा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। अगर दिया है करने में 19 माइनस करने में 17, फिर दिया है करने में 13 माइनस करने में 11, फिर दिया है करने में 7 माइनस करने में 5, और फिर दिया है करने में 5 माइनस करने में 3। इस प्रकार हमें क्या दिया है? ये चार संख्याएं दिया है, चार संख्याएं दिया है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन संख्या बड़ी होगी और कौन संख्या छोटी होगी। अब देखिए, जैसे हमने पीछे किया कि हमने होल स्क्वायर करके इसमें ज्ञात कर लिया, लेकिन जब यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था। जब प्लस था तो इसमें बड़ी संख्या जुड़ेगी तो बड़ी संख्या होगी, इसका मान हमें ज्ञात था नहीं। यहाँ यहाँ बड़ी संख्या थी तो बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल कर अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा बड़ा ही होगा। इसलिए हमने तो यहाँ देख लिया कि यहाँ स्पष्ट रूप से ये हमने क्या किया था, हमने देख लिया था कि करने वाली संख्या, अगर इनको हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं इस फार्मूले पर, इनको जोड़ देते हैं तो सब में 13 आ रहा था। और 13 में क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या जोड़ेंगे वही। तो यहाँ 2 करने में 42 सबसे बड़ी थी, यहाँ 2 करने में 22 सबसे छोटा था, तो हमने अनुमान लगा लिया कि इसका मान छोटा होगा। तो छोटा जोड़ेंगे तो ये संख्या छोटी होगी, बड़ी संख्या जोड़ेंगे, समान संख्या में बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। हमने तो यहाँ अनुमान लगा लिया। लेकिन अगर उसी इसी इसी प्रकार अगर हम यहाँ करते, मान लीजिए पहले होल स्क्वायर करेंगे, तो हम जानते हैं कि करने में ए माइनस करने में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि ए प्लस बी माइनस टू करने में क्या होता है? ए बी होता है। तो अगर हम यहाँ होल स्क्वायर करते तो इसका मतलब 19 प्लस 17 माइनस 2 करने में 19 गुणे 17 होता है, 19 गुणे 17 होता है। यहाँ करते कि तो क्या होता है, यहाँ करते हम तो ये होता हमारा 13 प्लस 11
-2 करने में 11 गुणे 13, फिर अगर इसी प्रकार यहां भी करते ये होता 7 प्लस 5 -2 करने में ये होता हमारा क्या, ये होता हमारा 7 गुणे 5, यहां भी करते तो क्या होता हमारा, ये होता हमारा 5 प्लस 3 -2 करने में 5 गुणे 3 होता। अब अगर यहाँ हम करते तो ये होता हमारा 36 माइनस 2 करने में, अगर यहाँ 19 और 17 में अगर हम गुणा करते तो ये हमारा क्या आता, ये हमारा आता 323। ठीक, अगर यहाँ करते ये क्या आ रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 24, ये 2 होता, ये करने में गुणा करते 143 होता, यहाँ करते तो 7 5 12 होता है, माइनस 2 करने में ये होता हमारा 35, ये क्या होता है 5 3 8 माइनस 2 करने में 5 3 8, ये हमारा 8 हो जाए, सॉरी ये गुणा करते तो कितना होता है, गुणा करते तो 5 3 15 होता है ना, यहाँ ये हमारा 15। अब देखिए यहाँ 36 माइनस 2, अब यहाँ ये इसका तो मान पता नहीं है, इसका तो मान पता नहीं, 233 का मान डेकोरेट पता नहीं, 143 का पता नहीं, करने में 35 का मान पता नहीं, करने में 15 का मान पता नहीं है, और उसमें भी 2 का संख्या करके इसमें घटाना है, तो हम यहाँ अनुमान नहीं, अगर यहाँ प्लस होता तो हम अनुमान लगा सकते थे, देखिए 36 है प्लस में कोई भी राशि जुड़ेगा तो ये हमारी राशि बड़ी हो जाएगी, तो अगर प्लस रहता तो हम तो अनुमान लगा लेते कि ये संख्या हमारी बड़ी है और इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा निकल जाता है, लेकिन ये क्या है माइनस है तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना को सॉल्व करेंगे, जब जब इतना को सॉल्व करेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे, ये जो करनी वाला राशि है 2 करनी में 323 को सॉल्व करेंगे तो आपको 35.94 प्राप्त होगा, ये 24 माइनस ये क्या होगा 23.91 प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होगा तो ये हमारा प्राप्त होगा 12 माइनस 11.83 प्राप्त होगा, और ये क्या प्राप्त होगा ये 8 माइनस 2 कर्ण में जो 15 है इसका हमारे पास प्राप्त होता, ये हमारा होता है 7.74 प्राप्त, ये हमारा प्राप्त होता। ठीक है, अब इतना का मान निकालते तब, इतना का मान निकालते तब, इतना का मान निकालते तब, तो इस प्रोसेस से अगर करते तो ये क्या होता है, देख रहे हैं कि ये क्या है 36.94, 36 में से ही 35.94 घट रहा है, तो ये 94 घट रहा है तो इसका मतलब ये राशि छोटी हो जाती, अगर घटा लीजिए तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये आएगा हमारा 10.06। ठीक, ये क्या आएगा 10.09, ये क्या आएगा 10.17, तो यहां घटाएंगे तो क्या होगा, चलो 26। अब यहाँ अगर निकालना होता कि सबसे बड़ा क्या है तो 10.6 तो मतलब हम मार देते करने में 5 माइनस करने में 3, सबसे अगर छोटा पूछता तो हम मार देते 19 करने में 19 माइनस करने में 17 मार देते, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा हो जाता सबसे छोटा। लेकिन इस प्रोसेस से अगर करेंगे तो क्या है हमें बहुत कठिनाइयां आ रही है और यहाँ हमें मान निकालने में दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या क्या अपनाते हैं, उसके उसके लिए क्या अपनाते हैं आइए देखते हैं। अब देखिए करने में 19 है माइनस करने में 17, अब इसका परिमेयकरण करना होता है, तो परिमेयकरण मतलब कि परिमेयकरण जो करते थे अब हम हर जगह करते थे, हम इसका ही परिमेयकरण कर देते, अंश का ही परिमेयकरण कर देते, तो इसका मतलब यही है करने में 19 प्लस करने में 17 से ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे, इसके इसी के संयुग्मी से
अगर ये गुणा हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 17 बटे में, बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में हो जाएगा करने में 19 माइनस करने में ये हमारा हो जाएगा हमारा 17, सॉरी ये प्लस है, इसका मतलब ये आ गया 2 बटे में करने में 19 प्लस करने में 17, ठीक है। उसी प्रकार ये करने में 13 वाला निकाल लेते हैं, करने में 13 माइनस करने में 11 का मान निकाल लेते हैं, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करेंगे, करने में 13 प्लस करने में 11 बटे में करने में 13 माइनस करने में, सॉरी प्लस ही रहेगा, संयुग्मी से ऊपर नीचे से गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ऊपर तो हो जाएगा 13 13 माइनस 11 बटे में करने में 13 प्लस करने में 11, इसका मतलब 2 बटे में करने में 13 प्लस करने में 11 आ जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार अगर करते हैं करने में, सात माइनस करने में 5 है, इसके ऊपर नीचे करने में 7 प्लस करने में 5 बटे में करने में 7 प्लस करने में 5, इसके संयुग्मी से अगर हम गुणा करते तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है ऊपर वर्गांतर का सूत्र लगता है, तो 7 माइनस 5 बटे में क्या होगा करने में 7 प्लस करने में 5, इसका मतलब ये हो जाता है 2 बटे में करने में 7 प्लस करने में ये हो जाता है हमारा 5। और एक बचा है करने में 5 माइनस करने में 3 है, अब इसके ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करेंगे तो करने में 5 प्लस करने में 3 बटे में करने में 5 प्लस करने में 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 5 माइनस 3 बटे में करने में 5 प्लस करने में 3 हमारा हो जाता करने में, हाँ जब अंतर करेंगे तो 2 बटे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 करने में 5 प्लस करने में 3। अब देखिए अगर जो संख्या बड़ी रहती है, अगर बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वह संख्या बड़ी आएगी, अभी हमने पीछे बताया भी था, मैंने पीछे बताया भी था कि देखिए करने में 2 का मान, करने में 3 का मान, करने में 4 का मान, करने में 5 का मान, तो इसमें जो संख्या सबसे बड़ी थी उसका मान बड़ी आ रहा था, जो संख्या छोटी थी उसका मान छोटा आ रहा था। अब देखिए यहाँ सबके अंश में 2 है, सबके अंश में 2 है, लेकिन हर में अलग अलग संख्या, इसका मतलब कि ये देखिए 19 प्लस 17, ये 19 है ये 17 है, इन दोनों का मान अगर वर्गमूल निकाल कर दोनों का मान निकालता तो ये मान होगा था क्या, ये मान आता बड़ा, 19 और 17 से ये छोटा है, इसका मतलब कि दूसरे नंबर पे ये आता, ये दोनों का करते ये हमारा तीसरे नंबर पे रहता और ये करते तो हमारा आता चौथा नंबर, इसका मतलब कि सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हर किसका होगा तो हम कहेंगे कि करने में 19 प्लस करने में 17 ये बड़ा हर होगा, बड़ा हर होगा। दूसरे नंबर पर कौन बड़ा हर आएगा, तो दूसरे नंबर पर ये बड़ा हर आएगा, तीसरे नंबर पर इसका हर बड़ा आएगा और चौथा नंबर पर ये क्या होगा इसका हर आएगा। तो सबसे छोटा हर अगर पूछा जाए सबसे छोटा हम ये सबसे छोटा हर है, क्या है ये हमारा हर सबसे छोटा। आपको बता दें आप भिन्न पढ़े होंगे तो भिन्न में आपको बताया गया था कि जिस संख्या अगर अंश समान है, आपको बताया गया था कि अंश क्या है समान, मतलब अंश समान है तो जिस हर का मान सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। यहाँ देखिए क्या है, ये सबसे बड़ा हर है, जब सबसे बड़ा हर है
ये जो भिन्न होगी ये क्या होगी, ये सबसे छोटी, ये क्या होगा, ये भिन्न सबसे छोटी होगी। यहां क्या है, ये हर सबसे छोटा है, हर सबसे छोटा है। जब हर सबसे छोटा है तो जिस हर का, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। कब, जब अंश बराबर हो तब। इसका मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये भिन्न हमारी हो जाएगी। क्या था ना, अंश, अंश अगर बराबर रहे, अंश बराबर रहे तो क्या होता है, जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह भिन्न क्या होती है, वह भिन्न छोटी होती है। छोटी होती है और जो भिन्न, और अगर यही लिख देते हैं कि और हर छोटा हो, वह भिन्न क्या होती है, वह भिन्न बड़ी होती है। वह भिन्न बड़ी होती है। ये कंसेप्ट याद रखेंगे। इसका मतलब कि इसका ये भिन्न, इसका हर क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब कि यह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यहां देख रहे हैं ये सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार छोटा बड़ा के, ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। ये हम क्या बताएं, ये तो रहा हमारा लगाने का, सॉल्व करने का विधि। हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ये पहला तरीका है, जो हम प्लस वाला करते थे, तो प्लस वाले में हम अनुमान लगा लेते थे और निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, जब माइनस वाले में हम इसको सॉल्व करेंगे तभी पता होगा। उसके लिए अगर इसलिए हम इस विधि का प्रयोग, माइनस वाले में हम नहीं करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें परिमेय करण वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये क्या करेंगे, परिमेय वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। परिमेय वाला कॉन्सेप्ट ये लग गया तो फिर हम क्या करेंगे, जो हम अंश बराबर रहता है उसमें जो हम पढ़े थे वो वाला हम क्या करेंगे, वो वाले प्रक्रिया करेंगे। आई समझ में। अब आते हैं इसके ट्रिक पे, क्या आते हैं, अब आते हैं इसके ट्रिक पर। अगर हमें ट्रिक के द्वारा अगर जानना होगा तब कैसे करेंगे, अब देखिए। करने में 19 माइनस करने में 17, करने में 13 माइनस करने में 11, करने में 7 माइनस करने में 5, और करने में 5 माइनस करने में 3। अब देखिए, अब हमने दोनों कंसेप्ट पढ़ लिए, हमें कौन सा आसान है कौन सा लेंदी है हम दोनों देख लिए, दोनों विधि से हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए थोड़ा सा ट्रिक पर आते हैं। जब यहाँ देखेंगे 19 और 17 का अंतर क्या है, दो। यहाँ 11, 13 और 11 का अंतर कितना है, दो। और ये 7 और 5 का अंतर कितना है, दो। और यहाँ 5 और 3 का अंतर कितना है, यहाँ भी हम कहेंगे कि अंतर। जब अंतर समान क्या हो, अंतर समान, जैसे दो 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 दो, जब अंतर समान हो तो सबसे छोटी राशि वाली, यहाँ जैसे करने में 5 या करने में 3, ये छोटी राशि है, ये जो छोटी राशि है इसका मान सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, इसका मान सबसे बड़ा होता है, और बड़ी राशि वाली का मान क्या होता है, सबसे सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटी राशि वाली सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ी वाली राशि क्या होगा, सबसे छोटा होगा। कब, जब इनमें के इन दोनों का अंतर, इन संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो तब।
जब ये अंतर दो दो है तब उसके लिए क्या होगा, जो राशि छोटी होगी जैसे करनी में 5 माइनस करनी में 3, ये 5 और 3 ये छोटी है, तो ये क्या होगा इसका मान बड़ा होगा, या 1917 सबसे बड़ा है तो ये क्या होगा हमारा सबसे छोटा बिंदु। आइए समझ में, आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। करनी में 7 माइनस करनी में 5, करनी में 5 माइनस करनी में 3, करनी में 9 माइनस करनी में 7, करनी में 11 माइनस करनी में 9। अब देखिए अंतर कितना है, दो है। यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ भी दो का है। यहाँ भी अंतर कितने का है, यहाँ भी अंतर दो है। यहाँ भी अंतर कितने का है, यहाँ भी अंतर दो है। बीच में क्या है, ये -3 है। ठीक, बीच में क्या है, -3 है। तो जब भी अगर -3 रहे और इनका अंतर समान हो तो हम बताए हैं जिस राशि का मान सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी सबसे छोटी। सबसे बड़ा क्या है, करनी में 11 करनी में 9, इसका मतलब ये क्या होगा सबसे छोटा होगा, क्या होगा सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो इसमें सबसे छोटा मान क्या है, ये देख रहे हैं 5 करनी में 5 माइनस करनी में 3, ये क्या है, ये छोटा छोटा है, 5 है ये 3 है, ये सबसे बड़ा था 11 और 9 था, तो इसका मतलब ये क्या होगा ये हो जाएगा सबसे बड़ा। आई समझ में, ये कॉन्सेप्ट कब कब लगता है, जब राशि क्या हो, जब राशि का अंतर इन दोनों जो अंतर है 7 और 5 का अंतर, 5 और 3 का अंतर, 7 9 और 7 का अंतर और 11 और 9 का अंतर, जब ये अंतर समान रहेगा तभी ये कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट, जो राशि बड़ी होगी, ये बड़ी राशि है तो ये सबसे छोटा होगा, इसमें छोटी राशि करनी में 5 करनी में 3 दिख रहा है तो ये हमारा क्या होगा सबसे बड़ा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जितने भी कंसेप्ट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट थे वो सब बता दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए 3 पर 50 घात, 4 पर 40 घात, 5 पर 30 घात और 6 पर 20 घात क्या है। 3 पर 50 घात, 4 पर 40 घात, 5 पर 30 घात और 6 पर 20 घात। अब हम कहे थे कि जब भी 0 देखे तो आप पहले 0 को ही हटा दीजिए, बताए थे इकाई के अंक को अगर 0 देखे, सब में अगर 0 देखे तो 0 को हटा दीजिए। अब क्या बन गया, ये 3 पर 5 बन गया, ये 4 पर 4 बन गया, 5 पर 3 बन गया, ये 6 पर 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 पर 5 का मतलब 3 3 9 9 27, 27 3 81, 81 5 81 3 247, ये तो होगा। अब देखिए ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, ये 125, तो ये करेंगे ये आएगा 36। अब इसमें हमें क्या करना था, हमें ज्ञात करना था कि सबसे बड़ी क्या था, हमसे क्या पूछा था सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी हो जाएगा हमारा 256, अर्थात 256 क्या है 4 पर 40 घात, ये हो गया 4 पर 40 घात, अर्थात विकल्प नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि 2 पर 250 घात, 3 पर 150 घात, 5 पर 100 घात, 4 पर 200 घात, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सा है। आइए देखते हैं, ये क्या है 250 है, ये क्या है 3 पर 150 है, 5 पर कितना है 100 है और ये 4 पर कितना है ये 200 है। 1 0 तो पहले हटा दीजिए, सब में दिख रहा है एक एक जीरो, तो एक एक जीरो हटा दीजिए, ये हो गया हमारा
दो पर 25 घात, ये क्या हो गया? 3 पर 15 घात, ये क्या हो गया? 5 पर 10 घात, और 4 पर कितना दिखा? ये 20 घात। हम घात वाले में क्या बताए थे? अब इसके घात को छोटा करना है, तो छोटा कब होगा? जब हम भाग करेंगे तब। अगर गुणा करेंगे तो ये घात बढ़ जाएगा, और ठीक है, क्योंकि 2 पर 25 घात निकालना हमारे लिए कठिन इसलिए कि निकाल लेंगे, लेकिन क्या है हमारा अधिक समय लगेगा, हमें समय का क्या करना, बचत करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 25, 15, 10 और 20 के लिए हम क्या बताए थे? इसके लिए बताए थे इसका निकालेंगे मसर। मसर क्यों निकालेंगे? मसर इसलिए निकालेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या रहेगी जो इन सबको भाग देने पर ये सबसे ये पूरा पूरा पूर्णतया कट जाएगी। तो इसका मसर क्या होगा? तो इसका मसर देख रहे हैं, तो ये होगा हमारा मसर 5। क्या होगा मसर? 5। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनमें भाग करेंगे, 2 में 25 का अगर 5 का भाग करेंगे तो ये आएगा 2 पर 5 घात, 3 पर 15 है, 5 से भाग करेंगे तो 5 15। ये क्या है, मौसा से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। भाग क्यों कर रहे हैं? इसको छोटा करने के लिए। अब ये 5 पर 5 गुना के 10, और ये करेंगे तो ये क्या होगा, 4 पर 5 के 2 पर 5 का मान कितना होता है, होता है 32, ये होता है 27, ये 2 पर 5 पर 2 घात, ये होता है 25, 4 पर 4 घात, ये होता है 256। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी क्या दिख रहा है इसमें, सबसे छोटी संख्या ये एक दिख रहा है 25 2 घात, ये यहाँ भाग करने पर 2 घात आया है, ये 5 पर 10 घात रहा होगा, ये 5 पर 100, तो 5 पर जो 100 है वही हमारा क्या है, सबसे छोटा है, ये 5 पर जो 100 है, ये मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दे रहा है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम का मतलब जानते हैं आप? आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, क्या होता है, ये होता है हमारा बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा, उसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे कि हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे निचली पायदान पर, फिर उसके बाद उसके ऊपरी वाला पायदान पर, फिर उसके ऊपरी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर आ जाते हैं, समझ में? अब क्या दिया है, हमारा दिया है 3 पर 34 घात, 2 पर 51 घात, और 7 पर 17 घात। अब हम क्या बताए हैं कि इसकी घात को क्या करना है, छोटा करना है। छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। भाग हम किस संख्या से करेंगे, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या करेंगे। और सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है जो इनको विभाजित करे, वो होती है हमारी मसर। इसका मतलब 34, 51 और 17 का हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे मसर, मसा निकालेंगे। इसका मसा क्या आएगा, तो इसका मसा आएगा क्योंकि ये 17 से कट रहा है, 17, 17 दुना 34, 17 51 कट रहा है 17 से ही, तो इसका लसा क्या, मसा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 का भाग करिए, 17 दुना के 34, यहाँ 17 का भाग करेंगे उसमें, 17 दुना 34, 17 51 हो गया, ये 17 एकम 17, ये हो गया 7 पर 1 घात। ये करेंगे 1 लिखे 9, ये क्या करेंगे, ये हो गया 8, ये क्या हो गया 7। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें 7 है, सबसे उससे उससे बड़ा क्या है, 8 है, उसके बड़ा क्या है, 9 है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, पर सबसे पहले 7 पर 17 घात, फिर उसके बाद 2 पर 15 घात, फिर उसके बाद 3 पर 34 घात लिखेंगे, ठीक है, इसमें लगाया भी है। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा देखते हैं यहाँ 7 पर 17 घात, फिर उससे बड़ा क्या है,
पर 51 घात, 2 पर 51 घात, इससे बड़ा क्या है? 2 पर 51 घात से क्या बड़ा है? 3 पर 34 घात। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात कंफर्म हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा है कौन सा बड़ा है, 3 करणी में 2 या करणी में 3 तुलना नहीं किया जा सकता है, 3 करणी में 2 करणी में 3 और चौथा दिया है समान। अब देखिए तुलना करने का ये क्या है, कैसा है, 3 करणी में 2 है, ये करणी में 3 है, यहाँ क्या है 3 है और ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं है 2। इनका क्या निकालते हैं, इनका हम निकालते हैं लसा, बताया गया था क्यों लसा निकालते हैं ये भी बताया गया था। यहाँ लसा निकालेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लसा कितना होगा, लसा हो जाएगा हमारा 6। अब 6 से इसमें क्या करते हैं, इनका भाग करेंगे तो 3 गुना के 6, अब यही जो आएगा जो भागफल आएगा वह इस पर घात लगा लेंगे, 2 पर 3 गुना के 6 2 हो गया। अब ये 2 है तो भाग करेंगे 2 3 6 तो 3 पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 9। इसमें बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा क्या हो गया, 3। पूछ क्या रहा है हमसे, सबसे बड़ा पूछ रहा है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसका मतलब कि इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा 9। 9 किसका मान है, 2 करणी 3 का मान क्या है हमारा 9 है, तो इसका मतलब करणी में 3 ये विकल्प नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में दिया है, करणी में 2, 3 करणी में 3, 4 करणी में 5, 6 करणी में 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, कुछ नहीं करना है, क्या दिया है अंश, दिया है करणी में 2, 3 करणी में 3 और दिया है 4 करणी में 5 और फिर दिया है 6 करणी में 6। अब हम जानते हैं ये जो दिख रहा है करनी वाला, इनका हम क्या लेते हैं, इनका हम निकालते हैं लसा, क्यों निकालते हैं, ये हमने बता दिया गया पहले, 2 ये है 3 ये 4 और ये है 6, इनका लसा निकालेंगे तो लसा क्या हो जाएगा, लसा निकालेंगे लसा हो जाएगा 4 3 12। अब इनका क्या करते हैं, इसका भाग करते हैं और ये जो हमारा आधार अंदर जो ये 3 ये 2 ये 3 और ये 5 ये 6 दिख रहा है किसी के घात के रूप में लगाते हैं, 2 से भाग करेंगे 2 6 के 12 इसका मतलब 2 पर 6 घात, फिर 3 का भाग करें 3 चौके 12 इसका मतलब 3 पर ये हो जाएगा 4 घात, फिर 4 3 12 ये हो जाएगा 5 पर 4 3 12 3 हो जाएगा, ये 6 दुना के 12 ये क्या हो जाएगा 6 पर हो जाएगा आपका, ये क्या होगा ये हो जाएगा हमारा 64, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 125 और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 36। पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 125 दिख रहा है, अर्थात 4 करणी में 5 हमारा क्या होगा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा 4 करणी में 5, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रहा है करणी में 5, 3 करणी में 7, ये 4 करणी में 13 है, ये क्या है, ये है हमारा करणी में 5, ये है क्या 3 करणी में 7 और ये क्या है, ये है हमारा 4 करणी में 13। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, तो हम एलसीएम लेंगे, ये क्या 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम होगा, लसा कितना हो जाएगा, इसका लसा होगा 12 होगा, तब भाग करेंगे 2 6 12, 5 पर कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 6 घात, यहाँ क्या होगा तो यहाँ करेंगे 3 चौके 3 चौके 12 तो ये क्या होगा 7 पर 4 घात, यहाँ करेंगे तो 4 3 12 तो 13 पर कितना हो जाएगा 13 पर 3 घात हो जाएगा।
अब देखिए यहां क्या करेंगे, पांच का 6 बार गुणा, पांच का कितने बार गुणा, 6 बार गुणा तो करेंगे, दो दो का बना देते हैं 25 गुणे 25 गुणे 25, 3 बार 25 का गुणा हो गया। अब ये 7 का करेंगे, 7 7 7 7 7 ये क्या है, 13 गुणे 13 गुणे 13। अब देखिए ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है, पहले इन दोनों का तुलना करते हैं, इन दोनों का हम तुलना करते हैं। जब इनका हम तुलना करेंगे, जब इनका हम तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, ये देख रहे हैं कि ये 13 गुणे 13 गुणे 13 है, ये 25 गुणे 25 गुणे 25 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे, इसका मतलब सबसे बड़ा अभी तो ये हो गया। अब इन दोनों का तुलना करते हैं, अब देखिए ये हो गया 47 49, ये 49 गुणे 49। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ये तो लिखते हैं 49 गुणे 49, लेकिन अब देखिए ये 25 है, ये 5 5 गुणे 5 इसको लिख रही थी, इसका 5 को इसके साथ गुणा करती थी, इसको 5 को इसको साथ, तो ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 25 125, यहाँ करेंगे 5 इसके साथ, ये होगा 125। अब देखिए 125 गुणे 125 यहाँ 49 गुणे 49 है, बड़ा कौन ना 125 125 बड़ा होगा, इसका मतलब कि सबसे बड़ा क्या हो गया करने, अतः विकल्प नंबर हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ तुलना, अगर हम अगर 5 पर 6 का गुणा करते, 7 पर 4 निकाल लेते, 13 पर 3 निकालते तो क्या होता, टाइम लगता, लेकिन इसको क्या करते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 बार लिखेंगे तो दो दो का पेयर बना लिए, 5 गुणे 5 5 गुणे 5 5 गुणे 5, ये 25 गुणे 25 गुणे 25 हो गया, ये क्या हो गया, ये 7 का 4 बार लिख दिए। अब ये क्या है, ये 13 3 है, 13 गुणे 13, ये 25 गुणे 25 गुणे 25 का 3 बार गुणा है, और 13 का 3 बार गुणा है तो बड़ा कौन होगा, और कहेंगे कि 25 गुणे 3 भी बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार ये गुणा करेंगे तो भी बड़ा होगा। अब आया 25 गुणे 25 गुणे 25 और 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इनमें तुलना करना है तो इन दोनों को लेंगे तो ये 49 हो गया, ये 49 हो गया। अब ये 25 गुणे 25 गुणे 25 ये तो हमें अनुमान लग नहीं रहा है, तो ये 25 जो बीच में दिख रहा है इसको दो खंड करते हैं, 5 गुणे 5, अब इसको लेकर इसके साथ गुणा, एक को इसके साथ गुणा, तो ये 125 गुणे 125, ये भी दो संख्याओं का गुणा हो गया, ये भी दो संख्याओं का, ये दो बड़ी संख्याओं का गुणा है, ये दो छोटी संख्याओं का, जब बड़ी संख्याओं का गुणा होगा तो वो संख्या बड़ी होगी और छोटी संख्याओं का गुणा होगा तो वो संख्या छोटी होगी, इसलिए ये क्या हो गया, करने में 5 हमारा बड़ा हो गया, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया है सबसे बड़ी संख्या, पूछ रहा है इसको, करने में 2 करने में 3 करने में 4, ये हम तुरंत निकालेंगे क्या है, अब हम लिखेंगे नहीं, ये 2 ये 3 ये 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब इसका भाग करेंगे, भाग करेंगे तो ये 2 पर इसका भाग करिए, 2 6 12, ये क्या है, यहाँ ये 3 है, ये 3 लिख लीजिए, अब इसका भाग करिए, 3 6 12, ये 4, अब 4 यहाँ है, ये 4 है तो 4 लिख लीजिए, अब इस 4 का भाग करिए, 4 3 12, ये हो गया हमारा 64, ये क्या हो गया 81, ये क्या हो गया 64, कह रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, 16 चौके 64, 2 पर 6 का मान भी क्या होता है 64 होता है, हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ी क्या है हमारा 81 है, 81 क्या है 3 पर 4 अर्थात जिसका बेस 3 अर्थात हमारा बीच वाली राशि, 3 करने में 3 ये हमारा बड़ी हो गई, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमने पीछे बताया गया बताए थे जब हम घात बना के किए थे, सेम टू सेम वही दिया है, इसका मतलब 3 पर 1/3, 2 पर 1/2, और यहाँ 1 दिया है,
एक पर एक ही घात है, ये क्या है, छह है, छह पर एक बटा छह घात। यहाँ जितनी भी जो बटे में दिया है संख्या, एक बटे में ये नहीं है तो यहाँ एक ही मानेंगे। इन सब का हम क्या कर लेंगे, इन सब का हम लसन निकालेंगे। क्यों लसन निकालेंगे, ये बताया गया है। लसन निकालिए, 3, 2, 1 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लसन हो जाएगा हमारा। अरे अब भाग करेंगे 3 गुना के 6, 3 पर कितना हो जाएगा, 2 घात। फिर नहीं तो यही अगर गुणा कर देते, क्योंकि उसमें क्या करते थे, गुणा ही तो करते हैं। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 6, यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। गुणा क्यों करते थे, गुणा इसलिए करते थे कि हम 3 का घनमूल, 2 का वर्गमूल और 6 का षष्ठमूल निकालने में असमर्थ है। असमर्थ है इसलिए क्योंकि वो लॉगरिथम विधि से ही ज्ञात होगा, और बाकी हमारे पास ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा हम षष्ठमूल या घनमूल निकाल लें। ठीक है, समझिए, क्योंकि ये जाएगा दशमलव में, और हम अगर पूर्ण संख्या रहता तो हमें इसका ज्ञात कर लेते, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये बस लॉगरिथम विधि द्वारा ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें इसमें गुणा करते हैं, क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि अगर तुलना करता रहता, तुलना करना होता है तो एक ही राशि से गुणा करने पर, एक ही राशि से भाग करने पर या वर्ग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए करते हैं। यहाँ करेंगे अगर 6, 6 का गुणा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 से गुणा ही कर दिए, एलसीएम से गुणा कर दिए, 3 गुना के 6, ये 2 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 पर 3 हो गया, ये क्या हो गया, 1 पर 6 हो गया, ये क्या हो गया, 6 कम 6, 6 1 हो गया, इसका मान तो 9 हो गया, इसका मान 8 हो गया, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 6 हो गया। इसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 9, अर्थात 3 पर 1/3 हुई हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, 3 पर 1/3, मतलब विकल नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, बस हमारा एक ही काम है, करने में 2 दिया है, ये 3 करने में 3 दिया है, 9 दिया है, ये क्या दिया है, 4 करने में 16 दिया है, 4 करने में 16 दिया है, यहाँ दिया है 5 करने में 32 दिया है। अब देखिए 32, 5 करने में 32 दिया है तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते थे। 32 का अगर खंड हम करेंगे, अगर 32 का खंड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये क्या है, ये हमारा पंचमूल है। पंचमूल का मतलब क्या होता है, इसमें 5 पेयर में से 1 निकलता है, तो हम एक, ये 5 पेयर बन रहा है, 1 निकाल लेते हमारा 2, तो हम इसको मान हम लोग लिख देते 2। ये 4 करने में 16, तो इसका मतलब है इसका खंड करते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या है, ये है चतुर्थ मूल, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16। इसका मतलब इसका भी मान क्या होता है, 4 में से 1 निकाल लेते बाहर, ये हो जाता हमारा 2, इसका भी मान हमारा आ जाता 2। लेकिन इनका हम मान नहीं निकाल पाते, इनका मान नहीं निकाल पाते तो हम 3 करने में 9 और करने में 2 का मान हम नहीं निकाल पाते। समझिए, अब देखिए ऐसे अब तुलना करना होता है, तो यहाँ वर्ग दिया, वर्ग दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो हम क्या इसको मान लीजिए करने में 2 है, तो ये है 3 करने में 9 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको भी हम लिख सकते थे क्या, ये 4, क्योंकि इसका भी वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2 हो गया, अब ये क्या हो गया, ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन हो गया जो पहले क्वेश्चन आता था। ये पहले जिस पैटर्न का आता था, हमने इसको इसलिए छोड़ दिया कि अगर एलसीएम अगर जो भी आता, ये 32 पर घाट लगता तो ये 32 क्या होता, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम थोड़ा इसको क्या किए, छोटा किए,
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? दो तीन, दो दो का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका इसका लसा कितना हो जाएगा? इसका लसा हो जाएगा आपका, इसका भाग करेंगे 2 3 6, इसका भाग करेंगे 3 2 के 6, यहाँ करेंगे 2 3 6, यहाँ करेंगे 2 3 6, इसका मान क्या आ गया? इसका मान आ गया 2 2 के 2 2 4 2 8, ये मुनासी चौके 16 चौके 64, ये भी आ गया 64। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ी क्या दिख रहा है? 81 देख रहा है। 81 क्या है? 9 पर 2 घात। ये 3 कर्ण में 9 ही क्या है, हमारा सबसे बड़ी है, अतः विकल्प नंबर 3 कर्ण में 9, विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना बार समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 करने में 5 है, 3 करने में 4 है, 5 करने में 2 है, ये 7 करने में 3 है, ये 3 है। अब यहाँ 2 3 5 और 7 का जब यहाँ एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। लसा कितना हो जाएगा? लसा हो जाएगा हमारा 7 5 5 5 2 के 10, 10 3 30, 30 210। एलसीएम कितना हो जाता हमारा? एलसीएम हो जाता हमारा 210। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, 210 का इसमें भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा आपका 5 पर, भाग करिए 2 का करेंगे, एक सौ पांच 5 पर क्या आ गया? 105। ये क्या आ गया? 4। यहाँ 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, ये हो गया हमारा 70। ठीक, अब देखिए ये क्या आ गया हमारा 2 पर, अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 गुना के 10, ये आ जाएगा 42। ये 7 से भाग करेंगे तो 3 पर क्या आ जाएगा? 7 लिखे 21, ये आ जाएगा हमारा। इसमें देखिए पूछ रहा है क्या हमसे? हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ही तो पूछ रहा है वो। अब देखिए यहाँ आधार किसका बड़ा है? यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ये सबसे बड़ा आधार क्या है? हमारा 5 है। और सबसे बड़ी घात क्या है? 105 इसी पर है। अर्थात हमारा करने में 5 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी हो जाएगा, अर्थात 3 पर करने में 5 हमारा क्या हो जाएगा? 3 विकल्प करने में 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों रहा? क्योंकि देख रहे हैं कि इसका घात सबसे बड़ी है और आधार भी सबसे बड़ा है। जिसका आधार और घात सबसे बड़ी हो वह राशि क्या होगी? सबसे बड़ी होगी ही। ऐसा में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 करने में 8, 3 4 करने में 13। दिया है 2 करने में 8, 4 करने में 13, 5 करने में 16, 10 करने में 41 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? प्रोसेस हमारा जो है हम उसी प्रकार करते हैं। आइए क्या करते हैं, ये जो 2 ये 4 और ये 5 और ये 10 देख रहे हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 4 5 10, ठीक। अब इनका हम क्या लेंगे? इनका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आप कहेंगे 5 चौके 20, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। अब इसका हम क्या करेंगे? इसका भाग करेंगे। ये संख्या क्या है? 8, 8 पर ये हो जाएगा 10 बार। ये क्या होगा? 4 का भाग 13 पर 5 घात, 5 से भाग करेंगे ये क्या होगा? 16, 16 पर कितना है?
5 4 20 4 घात, ये है 41। 41 से भाग करेंगे 10 गुना के 20, ये हो जाएगा हमारा, ये 14 नहीं 41 है, ये है 41। 41 आ गया हमारा 2। अब देखिए, अब भी ये क्या देख रहे हैं, ये संख्या बहुत बड़ी, ये संख्या क्या दिख रही, ये संख्या बड़ी दिख रही है, कुछ नहीं करते हैं वह हम पूर्व वाला प्रोसेस करते हैं। अब देखिए इनमें हम क्या आता है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या, पहले हम इन दोनों का तुलना कर लेते हैं, इन दोनों का तुलना करते हैं, ये क्या होगा 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16, इसका मतलब 4 बार, यह 41 गुणे 41, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 16 का गुणा करेंगे, 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 256 गुणे 256, इसका मतलब कि 41 गुणे 41 बड़ा है कि 256 गुणे 256, आप कहेंगे 256 गुणे 256 बड़ा है, इसका मतलब कि ये वाली संख्या बड़ी नहीं है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या है, 13 पर 5 है, 13 पर 5 का मतलब क्या, 13 को 5 बार लिखेंगे, यहाँ एक बार 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, अब देखिए इन 13 को गुणा करेंगे 169, इस 13 गुणे 13 करेंगे 169 169। अब देखिए अब बीच में क्या आ जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 13, ठीक है। अब देखिए हमें ये दो संख्या है, ये दो संख्या है, इसी से तुलना करना है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 संख्या आ रहा है, तो ये जो 13 है इसको 13 ना मानकर हम क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हमारा 14। जब ये हमारा 14 होगा तो इसका मतलब कि 7 इसके साथ गुणा कर लेते हैं, अगर ये 13 के स्थान पे 7 रहता है तो 7 गुणे 2 कर लेते हैं, 7 गुणे 2 7 गुना के 14। तो अगर 7 गुणे 2 करेंगे, अगर इसके साथ अगर 7 करते हैं, 7 करेंगे इसके साथ अगर 2 करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दुना 18, 1 हाथ से बचा, 16 दुना के 32, 32 1 33, इसका मतलब ये 300 क्या हो गया, 338 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे तो 338 से ज्यादा आएगा, 338 से क्या आएगा, 338 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब कि ये दोनों राशि जब क्या हो जाएगा 169 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो ये क्या आएगी, ये राशि भी बड़ी आएगी, ये राशि इससे बड़ी है ही है, इन दोनों, ये दोनों राशि बड़ी है, तो इसका मतलब कि ये वाली जो राशि होगी 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, मतलब ये जो राशि है इससे क्या है, इससे बड़ी है, अर्थात ये बड़ी हो गई, ये दोनों क्या हो गई, इससे छोटी हो गई, ठीक। अब देखते हैं तुलना करते हैं क्या, 8 पर 10 घात, 8 पर 10 घात से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जब तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, 8 गुणे 8 8 गुणे 8 8 गुणे 8 8 गुणे 8, और एक 8 गुणे 8, इन दोनों का पेयर बना देते हैं, दोनों का क्या बना देते हैं, यहाँ दोनों का पेयर बनाते हैं, 8 8 64 8 8 64 8 8 64 8 8 64 और 8 8 64, लेकिन ये क्या है, 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 5 बार ये 13 है, लेकिन ये क्या है, ये 5 बार 64 गुणे 64 गुणे 64 गुणे 64 है, इसका मतलब कि 8 पर 10 घात क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर हमारा 2 करनी में 8 होगा, 2 करनी में 8 मतलब कि विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आई समझू, या अगर हमें करना था तो हम यही कर लिए होते, देखिए ये तो हमने समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर दिया, इतना लंबा हो गया, आप अगर करना होता आप वही कर लिए होते, देखिए कैसे कर लिए होते, इसका मतलब 8 का 10 का मतलब क्या होगा, 5 बार 64 64 गुणे 64 गुणे 64 गुणे 64 गुणे 64, लेकिन इसका 5 का मतलब कि 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13,
इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इसका मतलब 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16, इसका मतलब ये 4 ही बार 16 16 है, लेकिन ये 5 बार 64 64 है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। ये है 41 गुणे 41, ये क्या है, पहले ही देख रहे हैं, ये पहले ही देखे में देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा 64 है, पहले ही पहली संख्या 64 है, 41 से ज्यादा है, दूसरी संख्या भी 64 है, 41 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अर्थात तो यही हमारा 8 10 घात ही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ी हो जाएगी। हम एक लाइन में कर लेते, लेकिन हम ये पीछे से तुलना करके आपको बताए हैं कि अगर कोई और संख्या आएगा तो आप तुलना करके कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, करने में 6 करने में 12, 3 करने में 4, 4 करने में 5 और करने में 3, ये न्यूनतम है, क्या छाटना है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा छाटना है, 6 3 4 और 2 का हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे हम एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, लसा हमारा हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा, लसा हो जाएगा हमारा 12। हाँ करेंगे 6 गुना के 12 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि 12 को हम ये आधार पर ही रहेगा, इस पर लगा देंगे 2 घात, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 5 है, इस तरह लिख लीजिए पहले, ये 3 है 3 लिख लीजिए, अब इसका भाग करके लगाते रहिएगा, 6 गुना के 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 2 छके 12, अब इसका बराबर है 144, ये 6 चौके 16 चौके 64, 6 चौके 16 6 चौके 16, 256, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 55 25 125, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 9, इसका मतलब क्या होगा, ये 9 का आ रहा है क्या, ये घन आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा, 9 का घन आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 729, ये 125 है, ये 256 है और ये क्या है 144 है, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा दिख रहा है 125, अर्थात 5 पर 3 घात, अर्थात जिसका आधार 5 है, अर्थात ये वाली हमारी राशि 4 करने में 5, मतलब 1 2 तीसरी है, तो ये हमारी तीसरी राशि है, तो 4 करने में 5 अर्थात विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है 3 करने में 2, 3 करने में 7, 6 करने में 5 और 2 करने में 20 दिया है, ये क्या है, अब करने के अंदर नहीं है, ये करने के बाहर है, तो इसका मतलब हम जानते हैं क्या है, 3 करने में 2 का मतलब क्या होता है कि जब भी ये अंदर जाएगा, ये वर्ग के रूप में अंदर जाता है, तो ये 2 गुणे 9 या इस करने में ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक उसी प्रकार ये भी जाएगा, तो हम आइए डायरेक्ट करते हैं, ये अंदर जाएगा तो 9 गुना 18, करने में ये हो गया हमारा 18, ये जाएगा 9 9 है और अंदर 7 है, तो गुना करें 9 7 63, ये हो गया हमारा 63, उसी प्रकार 6 चौके 36, 36 25 कितना होता है, करने में 180 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 2 अंदर जाएगा, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, ये करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, हम जानते हैं कि करने के अंदर जो राशि बड़ी होती है उसका मान बड़ी होती है, अभी हमने निकाला था करने में 2, करने में 3, करने में 4 और करने में 5 का हम माने मान निकाला था, तो हम देखे थे कि करने में 5 का मान सबसे बड़ा और करने में 2 सबसे छोटा है, तो इसका मान सबसे छोटा आया था, इसमें करने में सबसे बड़ी राशि क्या दिख रही है, 180 दिख रहा है, अर्थात की यही हमारी राशि सबसे बड़ी होगी, अर्थात 6 करने में 5 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी, अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आई समझे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है कि 4 करने में 3, 5 करने में 4 और ये दिया है करने में 10 और ये दिया है 1 दिया है, इसको भी देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, ये तो 4 करने में 3, ये 5 करने में 4 और ये 10 करने में 12
और इसको भी करणी के अंदर, एक उपकरणी के अंदर ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं इनका, क्या निकालते हैं इनका, निकालते हैं लस। तो 4, 5, 10 और ये है 2। लस निकालेंगे, लस कितना होगा, लस होगा 20। अब ये आधार है तो आधार लिख लीजिए, आधार लिख लीजिए 3, 4, 12 और 1। अब इसका भाग करिए, 4, 4 5 20, हाथ लगाते जाइए, 5 चौके 20, 10 दुना के 20, 2 दहाई में 20, ये हो गया। 3 पर 5 का मान कितना होता है, 3 पर 5 का मान कितना होता है, 3 3 के 9 9 27 27 3 81 21 3 347 से होता है, ये होता है 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके 256, ये क्या होता है 12 पर 144, ये क्या होता है, ये हमारा एक ही होता है, ऐसे समझो क्या होता है, ये हमारा एक ही होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो आपको दिख रही है साफ साफ, क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है 256। अतः यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, अर्थात 5 करणी में 4 ही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इसमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। ये पीछे आपने इस प्रकार का क्वेश्चन लगा लिया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 80 दिख रहा है, ये 16 है, ये 3 है, इसको बता देते हैं सबसे क्या है, इसे सबसे बड़ी संख्या छांटनी है, क्या करना है, पहले ये 3, यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 6, इसका एलसीएम निकालते हैं, 3, 2, 4, 6 एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा क्या, 12, एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब आधार क्या है, यहाँ 9 यहाँ 3 यहाँ 16 और यहाँ क्या है 8। अब भाग करते हैं इसमें, 3 चौके 12 2 छके 12 4 3 12 6 दुना के 12। अब देखिए अब यहाँ इसका मतलब क्या है, 80 है, यहाँ क्या है 16 गुणे 16 गुणे 16 है, ये 3 पर 6 का मान कितना होता है, निकाल लीजिए 3 गुणे 3 3 गुणे 3 3 गुणे 3, इसको इस प्रकार कर लीजिए, ये 3 का इधर 3 का इधर 3 का इधर, तो ये हो जाएगा 27 गुणे 27। इसके रूप में इसलिए ले रहे हैं कि इससे 80 से तुलना करने में हमारा आसानी रहेगा, ये कितना है, ये हमारा 80 है, ये 2 अंकों की संख्या है, यहाँ भी हम ये 27 गुणे 27, इसका मतलब कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। ये 16 को देख लेते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसका 4 को इसको 7 गुणा, इस 4 को इसको 7 गुणा कर दीजिए, क्या होगा 16 चौके 64, ये होगा 16 चौके 64 64 गुणे 64 है, ये क्या है, ये 64 गुणे 64 है, ये क्या है 80 गुणे 80 है, बड़ा कौन है 80 उससे, इसका मतलब ये भी छोटा है। अब देखते हैं 9 पर 4 घात, 9 पर 4 घात है, तो
इसका मतलब 9 का 4 घात का मतलब 9 × 9 × 9 × 9 ना, ये 81 हो गया, ये 99 81 हो गया। अब देखिए 81 × 81 है, ये 80 × 80 है, इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, 81 × 81 बड़ा होगा, ये समझ में, क्योंकि ये दोनों संख्या बड़ी है और ये दोनों संख्या छोटी है, छोटी संख्या का गुणा करेंगे छोटी, बड़ी संख्या का गुणा करेंगे बड़ी आएगी। तो इसका मतलब 9 × 4 आधार पर जिसका आधार 9 है, 9 किसका आधार है, ये 3 करने में 9 है, अतः 3 करने में 9 मतलब विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ी सी संख्या बड़ी है, इसको आइए देख लेते हैं। इसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ देख रहे हैं 3, 4, 6, 12 इसका मतलब 3, 4, 6, 12 एलसीएम कितना हो जाएगा, पहला काम यही तो करना है, एलसीएम में तो निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ आधार क्या है, 4 है, 6 है, 15 है और 245 है, ये इसका भाग करेंगे 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 12 = 12 इस पर 1 घात, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 256, इसका मान कितना होगा, छड़े के 36, छड़े के 36 216 ये तो होगा, 6 का घन कितना होता है, 6 का घन 216 होता है, आई समझ में। अब देखिए आगे 15 घन कितना होता है, 225 होता है, और ये 1 घात रहेगा 245 से होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये देखिए 256 से बड़ा कोई है, नहीं है, इसका मतलब 3 × 4 अर्थात पहला वाला ही हमारा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1, समझ में, 3 × 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है यदि संख्याएं 3 × 9, 4 × 20, 6 × 25 को आरोही क्रम में रखा जाता है तो सही व्यवस्था क्या होगी। अब देखो इसका मतलब पहला काम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दिखती है इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 12। यहाँ आधार क्या है, 9 है, 20 है, 25 है, लिख देते हैं 9, 20, 25। अब भाग करते हैं 3 × 12 = 4 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 4 × 12 ये क्या होगा हमारा, 6 × 12। अब देखिए ये इसको 9 को 4 बार लिखेंगे, 9 को इस प्रकार लिखते हैं 9 × 9 × 9 ये हो जाएगा हमारा 81 × 81, इसको हम कौन लिख रहे हैं, इसको हम 25 × 25 ही लिखेंगे, इसके रूप में लिख ले रहे हैं, तुलना करने में हमें आसानी होगी, बताया गया है पहले है, इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए 20 × 20। अब देखिए अगर इस ये 20 है, ये 20 है, अब ये तोड़ देते हैं, इसको क्या तोड़ें हम 5 × 20 में तोड़ते हैं, 5 से गुणा करेंगे, 5 × 1 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे, 4 × 8 = 80। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा 100 × 80, सॉरी ये हो गया 80। अब देखिए जब इससे तुलना कर रहे हैं, इससे तुलना कर रहे हैं इससे, तो ये तो दोनों से क्या है, इन दोनों से ये तो छोटा है। अब देख लेते हैं कि इनमें पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है। अब देखिए आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए 2 में 3 का गुणा किया जा रहा है, ठीक, लेकिन एक संख्या संख्या बहुत बड़ी है, इसमें देखिए ये संख्या क्या है, ये 80, इससे तो एक ही छूट है,
लेकिन ये क्या है, इस संख्या से ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है ना, है बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब ये 100 × 80 की अपेक्षा, 81 × 81 की अपेक्षा ये 100 × 80 क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि सबसे बड़ा ये हो गया, दूसरे नंबर पर ये आ गया, तीसरे नंबर पर ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया। इसका मतलब कि पहले नंबर पर ये है, पहला नंबर पर ये है, मतलब क्या है, पहला नंबर पर क्या है, तो 100 अर्थात ये 20 वर्ग, ये पहला नंबर पर है अर्थात ये सबसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, 3 × 9 से ये क्या है, बड़ा है, और ये 3 × 9 क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो 4 × 20, यहाँ देखिए 4 × 20, देखिए ये 4 × 20 ये सबसे बड़ा हो गया, इधर सॉरी इधर मुंह खुला रहता है, ये गलत कर गया, इधर मुंह खुला रहता है वो राशि क्या होती है, बड़ी होती है, इधर मुंह खुला रहता है ये राशि हो जाती है बड़ी, ठीक, इधर मुंह खुला रहता है ये राशि बड़ी होगी, तो इसका मतलब कि इस इधर मुंह खुला है कि ये राशि हो गई हमारी सबसे बड़ी। इसके बाद 3 × 9 बड़ी हो गई 6 × 25 से, अर्थात विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आई समझ बात। तो यहाँ क्या है, हम तुलना ही करना है, यहाँ 81 × 81 है, यहाँ 100 × 80 है, तो ये क्या है, ये तो एक ही कम है, लेकिन वो जो 81 है इससे कितना कम है, 19 कम है, इसलिए इनका गुणनफल इनकी अपेक्षा क्या होगी, बड़ा होगा, आई समझे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी तुलना ही पूछा है और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इनका हम पहले एलसीएम लेते हैं, तो 3, 2, 6 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 12। आधार क्या है, 4 है, यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 3 है, और यहाँ आधार क्या है, 5 है। भाग करेंगे 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12, 6 × 12 और 4 × 3 = 12, ये क्या हो जाएगा, होगा हमारा, तो 256, ये क्या होगा, 2 × 6 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 64, ये क्या होगा, ये होगा 9, ये 125। इसका मतलब इसमें और उही क्रम में सबसे बड़ा लिखा जाता है, तो सबसे बड़ा क्या है, 256, अर्थात 4 × 4 मतलब कि 3 × 4 सबसे बड़ा है, तो 3 × 4 देखिए ये जिधर मुंह खुला है ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है 5, जिसका आधार 5 है, ये 4 × 5, ये देखिए 4 × 5 ये दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है 2, जिसका आधार 2 है, अर्थात करनी में 2, देखिए ये तीसरे नंबर पे आ गया। चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे आएगा हमारा सबसे छोटा 9, 9 मतलब कि 3 × 2, 3 × 2 का मतलब कि ये हमारा हो गया 6 × 3, अर्थात 6 × 3 ये आ गया हमारा क्या, चौथे नंबर पर, मतलब विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन हमें भले बताए हैं, देखिए उसी का पुनरावृत्ति है। देखिए हमने इसमें एक ट्रिक बताई थी, इनका अंतर देख लेते हैं, इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर क्या है, इनका अंतर देखें, 2, 2, 2 और 2, जब अंतर 2 रहता है, जब अंतर 2 रहता है तो क्या करते हैं, जब अंतर 2 रहता है तो जो सबसे छोटा छोटी करने वाली राशि होती है वो क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा होता है। पूछा क्या है, सबसे बड़ा व्यंजन, सबसे छोटा इसमें क्या है, करने में 5 और करने में 3 है, तो इसका मतलब करने में 5 − करने में 3 ही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा व्यंजन। जो करने वाली राशि सबसे छोटी होगी
वो क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा होगा, अर्थात करने में 5 माइनस करने में 3 है, हमारा क्या हो गया डायरेक्ट। तो सबसे छोटा पूछता तो जो करनी सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटा, अगर छोटा पूछता तो ये हमारा करने में 19 माइनस करने में 17 होता है। समझ में आई, देखते हैं क्यों होता है, ये पहले उदाहरण बता भी दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, करने में 7 माइनस करने में 5, करने में 5 माइनस करने में 3, करने में 9 माइनस करने में 7, करने में 11 माइनस करने में, यहाँ देख लेते हैं अंतर, ये 5 2 7, यहाँ भी अंतर कितने का है 2 5, यहाँ भी अंतर कितने का है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर कितने का है 2 5 है। सबसे बड़ी राशि पूछ रहा है, तो करने में जो राशि सबसे छोटी होगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो करने में 5 करने में 3, देखिए इससे छोटा कोई है नहीं, इसका मतलब यही सबसे बड़ा होगा। तो करने में 5 माइनस करने में 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हमसे पूछ देता कि सबसे छोटी कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा क्या करने वाला दिख रहा है, तो करने में 11 माइनस करने में 9 दिख रहा है, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। जब पूछता छोटी तब छोटी पूछता हमारा ये विकल्प 4 हो जाता है। समझ में आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर निम्नलिखित में से गलत संबंध का चयन कीजिए, ये दोनों बराबर है। आइए अब हम बताएं कि जब प्लस रहता है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का, वर्ग करेंगे तो 6 2 ये क्या होगा 8 होगा, 5 3 8 9 8 आ रहा है। अब देखिए प्लस होगा 2 करने में इनका गुणा 6 2 के 12, यहाँ करेंगे तो 5 5 3 15, 2 करने में ये हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ 12 का मान ज्यादा है कि 15 का है, हम कहेंगे करने वाला में जितना बड़ा राशि रहेगा उसका मान, तो इसका 15 का मान क्या होगा, ये 15 का मान बड़ा है, तो अब 8 में ज्यादा मान जुड़ेंगे तो इसका मान ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये वाली राशि हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली राशि हमारी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए ये वाली राशि हमने बड़ा किया है, अतः यही हमारा दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पूछ रहा पहला और दूसरा दोनों सही है, और पूछ रहा है पहला सही है, फिर कह रहा है कि दूसरा सही है, फिर कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, इसमें क्या है सही, तो ये है हमारा सही, बस इकलौता तीसरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वही काम करते हैं, प्लस रहता है तो हम वर्ग वर्ग वाला नियम लगाते हैं, 5 3 ये कितना होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, लेकिन 6 2 8 यहाँ भी 8 आ रहा है, प्लस 2 करने वर्ग करते हैं तो 2 करने में इनका 5 3 15, 6 2 के 12, 2 करने में 12, वही राशि का पुनर्वृत्ति, वही जो पीछे वाला सवाल है उसी का पुनरावृत्ति किया। देखिए ये करने में 15 है, ये करने में 12 है, तो ये वाला राशि क्या है, ये राशि बड़ी है, इसका मान निकालेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो मान ज्यादा आएगा, तो 8 में ज्यादा जुड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 8 ये करने में 5 प्लस करने में 3 बड़ा होगा, ये बड़ा है, 6 करने में 6 प्लस करने में 2 से, तो अर्थात विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर कर रहा है तो बराबर तो होगा नहीं, पर ये बड़ा ये संभव है नहीं। अब देखिए करने में 5 प्लस करने में 3 प्लस करने में 6 प्लस करने में 2 का मान कभी भी अगर गुणा करेंगे तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा, 1 के बराबर आएगा नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि 5 6 30 करेंगे, करने में 30 आएगा, तो करने में 30 का तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम कर ही नहीं पाएंगे, तो और 4 विकल्प दिया है तो 4 विकल्प में हमें एक ही तो सत्य सत्य होगा, एक ही विकल्प तो सत्य होगा 4 में से, तो हमारा पहला ही सत्य हो गया, तो हमें इन 3 पर विचार करना ही नहीं। आई समझ में, आई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको बताया गया था कि जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, जितना भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब इसमें क्या है, मिस मिस करके दिया है, मिला कर दिया है। देखिए करने में 3 और 3 करने में 0.08 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त हो। अब देखिए इसका हमने
घात, मतलब कि जो घात वाला था, घातांक के रूल से इसको लगाया था हमने। फिर यहाँ दिया है दो में से इतना घटाने पर, प्रणी में तीन का मान और इतना करके, तो अब हमें पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए आइए सॉल्व करते हैं। 2.89 ये क्या है, ये है आपका 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.89 है, इसको 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा करने में 2.89। और देखिए 289 किसका वर्गमूल है, आप कहेंगे कि 17 का वर्गमूल है, कितना है, ठीक 17 का वर्गमूल है। ये दशमलव के कितने, दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है, एक अंक, एक अंक पर दशमलव, ये 0.7 हो गया। इसका तो मान हम निकाल लिए कि क्या आ गया, 0.7 निकाल लिए, ठीक है। अब निकालते हैं 2 माइनस क्या है, 0.5 का वर्ग है। अब 2 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25, अब 2 बार गुणा करते या 0.5 × 0.5 इसी पर वर्ग करते ना, 1 1 2, 2 अंक तो क्या होता है, 10 लगता है, ये 10 हमारा 25 हो जाता है। 0.25 अगर घटाएंगे तो ये क्या होगा, 1.75 आएगा, 1.75 आएगा। तो इसका तो मान आ गया 1.7। आगे देखते हैं पढ़ने में 3 का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 1.732 होता है, हमने लिख लिया। अब देखिए इसका घनमूल निकालना है, तो ये 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल होता है हमारा 2, 8 का घनमूल कितना होता है 2, और घनमूल में क्या करते हैं 3 3 का पेयर बनाते हैं, 10 के बाद कितना पेयर बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है, तो 1 अंक पर 10 लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, ये हो गया हमारा 0.2। देखिए क्या करना है इसमें, इसमें हमसे पूछ रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, क्या होता है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, बोले सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा दिख क्या रहा है, 1.7, 1.75, 1.732 और 0.2, तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, 0.2 दिख रहा है। अर्थात कि ये हमारा हो गया 0.2 का मान क्या है, ये इसका मान है, इसका मतलब हो गया हमारा 3 करने में 0.02, ये हो गया। इसके बाद किसका स्थान आता है, 1.7 का स्थान आता है, 1.7 का स्थान आता है, 1.7 का मान कितना है, ये है आपका 2.89 और 0.5 आ रहा है। अब देखिए 7 7 के बाद क्या आ रहा है, 7 के बाद यहाँ देखिए 5 है, लेकिन 7 के बाद यहाँ 3 है, ये क्या होगा हमारा, ये 3 वाला राशि हो जाएगा। सर 1.73 किसका मान है, करने में 3 का मान है, ये हो गया हमारे करने में 3। अब लास्ट में क्या बचा है, 1.75, 1.75 किसका मान है, तो 2 − 0.5 का होल स्क्वायर का मान है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया बढ़ते क्रम में। तो ये देख लेते हैं 289 करने में 3 और ये, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आई समझे। आइए देखते हैं ये किसमें आया था, SSC CGL के प्रारंभिक परीक्षा 11/5/2013 प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया था, है कितना आसान, लेकिन जितना भी हमने पीछे पढ़ा है वो अगर सबका ज्ञान रहेगा तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आई समझे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए महत्तम संख्या कौन सी है, मतलब कि बड़ी संख्या कौन सी है, अब देखिए 4/9, ये देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 3, 49 का वर्गमूल कितना होता है, ये हो गया हमारा 7। ये देखिए अब 0.47 पर बार है, तो इसका मान तो हम जानते थे क्या होगा, ये 47 लिख देंगे, बटे में जितने 2 अंक पर बार है तो 2 9 लिख देंगे, इतना तो हमें पता था, या
दशमलव में है तो इसका मतलब कि 0.47 4747 यही इसी प्रकार ये क्या होगा आता रहेगा। अगर बटे में लिखे लिखते तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं, नहीं तो दशमलव में है तो ये 4747 इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ये इसका अगर करेंगे तो ये क्या होगा 47 49, दो अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि 0.7 × 0.7 ये ध्यान देंगे 47 49 ये 49 हो गया। ये दशमलव की बात कितना था? एक अंक इधर एक अंक दो अंक तो ये 10.49 हो जाएगा। इसका मतलब 10.49 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये 4747 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं इनको भी हम दशमलव में ही बदल लेते हैं क्योंकि ये दशमलव में है मान दिया है तो हम इनको भी दशमलव में बदल लेते हैं। 4 में 9 का भाग करेंगे क्या होगा नहीं भाग जाएगा दशमलव बढ़ेगा 0.0 बढ़ेगा तो क्या होगा 9×4=36 ये क्या हो गया ये 10.4 एक बचा ये फिर आएगा 4×9=36 ठीक ये 10.4 10.4 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 10.4 4 4 इसी प्रकार ये आगे बढ़ता रहेगा ठीक है। 3/7 को देख लेते हैं ये 3 है 7 का भाग करते हैं नहीं जाएगा 7×28 7×28 7×28 ये क्या है ये 10.4 4 4 4 4 4 4 आता रहे ये क्या है ये हमारा आ रहा है 10.4 4 4 4 4 ये भी आ रहा है 10.4 4 ही आ रहा है तो इसका मतलब इसका मान हो गया 10.4 4 4 4 4 भी पर का ये इसका भी मान आ रहा है 10.4 यहाँ गलती हो गई है भाग देने में 7 का भाग दे रहे हैं 7 लिखे 7×28 तीन ही है ना ठीक है। सच्चों का अठाई ये क्या होता है 2 या क्या है ये 20 हो गया तो अब भाग करेंगे तो क्या आएगा उस यहाँ 7×14 यहाँ क्या बचता यहाँ बचेगा आपका 6 7 7×56 इसका मतलब 4.428 इसका मतलब क्या आता है इसका मान 10.4 8 आता है ये क्या है ये 10.4747 है ये क्या है 10.49 है। इसमें क्या करना है इसमें सबसे बड़ी संख्या छाटनी। अब देखिए ये 10 के बाद 4 4 है ये 4 2 है इसका मतलब ये छोटा हो गया तो छोटा हमें तो छाटना नहीं ये 4 4 हो गया ये 4 7 हो गया इसका मतलब ये छोटा हो गया। अब देखिए इसमें छाटने हैं ये 4 7 हो गया ये 4 9 हो गया बड़ा क्या हो गया बड़ा ये हो गया लास्ट वाला संख्या अर्थात 0.7 का होल स्क्वायर अर्थात विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझे यहाँ थोड़ा सा भाग देने में दिक्कत हो गई थी ठीक है आप इसको क्या करेंगे सही करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा सही आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए करने में 0.0009 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हम डायरेक्ट निकाल देते हैं यही 0.9 का वर्गमूल कितना होता है 3 दशमलव के बाद कितने पेयर बन रहा है 1 1 अंक से दशमलव लगा देंगे ठीक। अब देखिए ये 64 ये घनमूल है 64 का घनमूल 64 किसका घनमूल है हम कहेंगे 4 का ये दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है 1 पेयर बन रहा है तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए 0.4 हो गए। ये क्या है 0.5 दिया है ये 3 में 5 का भाग कर लीजिए इसको भी 0.5 बना लीजिए तो ये क्या होगा 0.5 जाएगा 5×30 ये 0.5 ये क्या हो गया हमारा 0.6 हो गया। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या तो 0.6 ही सबसे बड़ी दिख रहा है ये 0.5 से भी 0.4 से भी 0.3 से भी अतः 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा तो विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका तो हमने निकाला है इसका निकाले थे
2.89 पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, आधा, आधा ही तो होता है, एक का आधा ही तो होता है 1/2। तो एक इसका क्या होता है, 1.7। 1.7 का ये क्या होगा, ये वर्ग है 2.89। ठीक, ये 2.89 का वर्गमूल निकालेंगे, 1/2 का मतलब कि वर्गमूल, वर्गमूल का होगा 1.7 होगा। निकाले थे पहले, इसको हम सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करने पर क्या आया था, इसका सॉल्व करने के बाद आया था 1.75। अब देखिए, अब हम इतने को सॉल्व करेंगे, जब इतना को सॉल्व करेंगे 1+0.5 है, अब इसको करेंगे 2 + 2, 2 में से एक जाएगा, एक जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। इसी प्रकार तो करते हैं, 2 + 2, 2 में से 2 + 2, 2 में से एक जाएगा एक, ये क्या होगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये आ गया तो ऊपर, बटे में क्या हो गया, एक हो गया, फिर 2 में से एक जाएगा तो एक ही होगा। अब देखिए, ये 5 × 2 क्या होगा, 10 होगा, 1+1 हो गया, 1+1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान 2 आ गया, और 1+3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। अब देखिए, इन चारों विकल्पों में से, इन चारों विकल्पों में से सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या है वो दिख रहा है, क्योंकि 1.7 से, 1.75 से, 1.732 से सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, अतः यही हमारा विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझे, क्योंकि लंगड़ी भिन्न आपको बता दिया गया है, एक सतत भिन्न, वितत भिन्न आपको बता दिया गया है, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है कि 0.1 का होल स्क्वायर करने में 0.012 तथा करने में 0.0004 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1.1 × 1.1 0.01 आ जाएगा इसका। जब इसका निकालेंगे तो ये क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल है तो 1 से 1 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। अब ये दशमलव के बाद कितना पेयर बनना है, 1 पेयर, और ये 2 पेयर, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ये दशमलव हो गया हमारा 11। ये है क्या, 0.12 है, ये क्या है, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया, और दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब पूछ रहा है कि में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए, ये 1.1 है, ये 0.12 है, ये 0.11 है, ये 0.12 है, तो इसका मतलब कि ये वाली संख्या हमारी तीसरी वाली संख्या बड़ी होगी, अर्थात 0.12 बड़ी हो जाएगी, तो विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्या है, 0.16, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 1 पेयर बनेगा, 0.10, ये 8 हो गया, ये 16 का करेंगे, 16 का वर्ग क्या हो, 1/56 होता है, यहाँ 2 अंक, ये 2 अंक, क्योंकि 0.16 × 16, तो ये क्या होगा, 4 अंक पर 0.10 लगेगा, इसका मतलब कि ये हो गया हमारा कितना, ये क्या हो गया, 0.04। पूछ रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.8 ही दिख रहा है, क्योंकि ये 0.1 दिख रहा है, 0.0 दिख रहा है, 0.0 यहाँ दिख रहा है, उसके बाद 84 है। अब 0.10 के बाद कोई भी बड़ी राशि, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ क्या है, 8 है, तो यही राशि हमारी बड़ी हो जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आप यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेंगे, ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल होता है आपका 4 होता है, ठीक 4 होता है, एक पेयर बनेगा, ये 0.4 हो गया। ये देखिए, एक है, 0.10 के बाद कौन सी राशि बड़ी है, यहाँ 1 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यही बड़ी है, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए कर रहा है 0.9, पर करेंगे 81 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अब देखिए करनी में 0.9 है और यहाँ पेयर तो बन नहीं रहा है, तो ये करनी में 9 का ये हम मान निकालेंगे। ठीक, जब अभी तो आप इसका मान नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा वर्ग वर्गमूल, तो आप क्या करेंगे, इसका मान कैसे निकलता है आपको बताया जाएगा। दशमलव 9 का हम बता देते हैं, दशमलव करने में 0.9 का जो वर्गमूल होता है 0.9486 के समथिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मान आता है 0.9486। कहाँ से आता है आपको अगले क्लास में बताया जाएगा, जब वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जब पढ़ाया जाएगा तब उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद पेयर नहीं बना रहा था कि 0.3 कर देंगे आप, क्योंकि देखिए अगर यही पूछता हमसे करने में 0.09 पूछता तो इसका वर्गमूल हो जाता 0.3 हो जाता, लेकिन अगर ये 10 दशमलव करके ये 0.9 कर देता तो इसका मान कितना होगा, 0.9486 ही होगा। ठीक है, अगर जैसे कि 0.9 अगर 4 का वर्गमूल पूछ देता है, 0.9 अगर 4 का वर्गमूल पूछ दे आपसे तो 0.4 का वर्गमूल कितना होता है, 0.4 का वर्गमूल कभी भी 0.632, इसका कभी भी आप 0.2 मत दिए, क्या होगा ये गलत होगा। ठीक है, तो क्या होता है 0.632। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, क्यों इतना हो, इतना नहीं होता है, अब वर्ग वर्गमूल और घन वर्गमूल जब बताया जाएगा तो उसमें आपको वर्ग वर्गमूल निकालना बताया जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.9 का बार है तो इसका मतलब क्या, 9 9 9 है, और देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, 9 के बाद यह क्या है 0 है, 8 है तो ये तो छोटा है, हटा दीजिए, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इसमें, इसमें 9 4 है, लेकिन यहाँ क्या है 9 9 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया, यही लास्ट वाला मतलब कि विकल 9 4 0.9 पर बार ही क्या हो गया हमारा सबसे बड़ा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।